measuring instruments. इसमें हमारे काम के दो हैं, एक है वर्नियर कैलिपर्स और दूसरा है स्क्रू गॉज। ठीक है, दो चीजें आपको पढ़नी है, एक एक करके आपको दोनों पढ़ाऊंगा। पहले आज का क्लास तो मोस्ट लाइकली वर्नियर कैलिपर्स में निकल जाएगा, वर्नियर कैलिपर्स। मुझे लगता नहीं आप लोगों ने वर्नियर कैलिपर्स देखा होगा। देखा है क्या वर्नियर कैलिपर्स आप लोगों ने? हाँ सर, क्लास 9 में था तो। हाँ आपने था आप लोगों का? यस सर। ओके वेरी गुड, अगर था तो अच्छी बात है। इसमें आईसीसी बोर्ड में होगा शायद, राइट? हाँ सर। हाँ सर। तो सबने पढ़ा, आईसीसी वालों ने सबने पढ़ा? हाँ सर। ओके वेरी गुड, ठीक है चलो देखते हैं आपने पढ़ा है कैसे पढ़ा है। अच्छा मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ, क्योंकि जिन लोगों ने नहीं देखा है, सबने तो पढ़ा नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, सबको उतना ही आता है। ये देखो, ये बेसिकली आपका वर्नियर कैलिपर्स कहलाता है। इसमें अगर आप देखोगे तो एक स्लाइडेबल, यू नो, एक स्केल दिख रहा है, तो देख लो, कैन यू सी एवरीबॉडी, एक स्लाइडेबल स्केल है। यस सर। ये स्लाइडेबल स्केल जो होती है, इसको हम कहते हैं दिस इज वर्नियर स्केल, जिसको हम स्लाइड कर रहे हैं, दिस इज स्लाइडेबल। और ये वाला जो फिक्स स्केल है, इसको मेन स्केल कहते हैं, दिस इज मेन स्केल। इसमें आप देखोगे तो दो जॉज हैं, जॉज कहने का मतलब क्या है, इसको एक मिनट के यहाँ पे एक और स्टिल इमेज दिखाना होगा, उसमें मार्किंग करता हूँ मैं। देखो ये जो स्लाइडेबल जॉ है, उस जॉ के हेल्प से आप क्या क्या चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं उसके बारे में बता रहा हूँ आपको। एक है इंटरनल डायमीटर, किसी भी चीज का मेजर कर सकते हैं, इंटरनल डायमीटर। इंटरनल डायमीटर को मेजर करने के लिए आप ये वाला पार्ट को यूज करते हो, ये वाला दोनों जॉज को यूज करते हो, ये वाले जॉज को। ये जॉज को बेसिकली कैसे यूज करते हो, ये बेसिकली इनिशियली क्या होता है कि ये वाला एंड जो है वो इससे चिपका हुआ होता है। आप ये वाला देखोगे डायग्राम तो आपको समझ में आएगा। देखना इनिशियली, देखना कि ये दोनों चिपके हुए रहेंगे। देखना ये देखो, यहाँ तो देख रहे हो आपको चिपका हुआ है यहाँ पर, कैन यू सी एवरीबॉडी? यस सर। और इस केस में अगर आप देखोगे तो जीरो ऑफ मेन स्केल जो है और जीरो ऑफ वर्नियर स्केल जो है, देखो दोनों कोइंसिडेंट है, कैन यू सी? जीरो ऑफ मेन स्केल देखो और जीरो ऑफ वर्नियर स्केल देखो, दोनों मिला हुआ है ना? यस सर। ठीक है, तो इसमें कहते हैं जीरो एरर नहीं है। मतलब अगर जीरो ऑफ वर्नियर स्केल और जीरो ऑफ मेन स्केल अगर एक साथ कोइंसाइड करती है तो हम कहते हैं कोई भी जीरो एरर यहाँ पे नहीं है। उसके बाद क्या करते हो, आप इसको स्लाइड करते हो तो फिर ये दोनों जॉज बेसिकली सेपरेट होते हैं। तो आपको जिस भी चीज को मेजर करना होता है, जिस भी चीज का इंटरनल डायमीटर मेजर करना है, तो इंटरनल डायमीटर यूज मेजर करने के लिए आप क्या करते हो, ऊपर वाले जॉज को यूज करते हो। तो आप क्या करते हो, वहां पे इसको लाके यहाँ पे फिट कर देते हो। देखो ऐसे ऐसे फिट कर दोगे, तो जब आप इसको ऐसे फिट कर दोगे, सोचो तो क्या आप ये डायमीटर नहीं मेजर कर पाओगे, ये इंटरनल डायमीटर मेजर हो जाएगा। आपको दिख रही है, कैन यू सी दिस? यस सर। ठीक है, मेरे पास एक स्केल है अभी वर्नियर कैलिपर्स, मैं आपको करके दिखाता हूँ। आई डोंट नो वेदर, मतलब आपको इतने यहाँ पे दिखेगा या नहीं दिखेगा। देखो आपको स्केल दिख रही है बेटा, एक बार जस्ट कंफर्म करें, स्केल दिख रही है आपको? यहाँ पे देखो मेरे पास एक नॉब है, यहाँ पे दिस इज अ नॉब। इसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इस स्केल को स्लाइड कर सकते हैं। इसको जब मैं यहाँ पे रोल करूंगा, देखो यहाँ पे ये जॉज देखो सेपरेट हो रहे हैं, आपको दिख रही है? कैन यू सी? यस सर। स्पिन करने का ऑप्शन नहीं है सर, ऑन कर दीजिए उसको, हम लोग अच्छे से देख पाएंगे। क्या कर, मेरे पर मेरा वीडियो तो पिंड होगा, स्पॉटलाइट पे स्क्रीन दिख रहा है सर। अभी ठीक है, अभी दिख रही है? अभी भी स्क्रीन ही दिख रही है सर। अभी तो मैं दिख रहा हूँ आपको,
सर हम लोग व्यू में जो आपने वो स्वैप वीडियो एंड शेयर्ड स्क्रीन करके आपका वीडियो आ जाएगा। हाँ सर, अदरवाइज बहुत छोटा है। फिर से बोलिए, मुझे मुझे कुछ करना है या आपको कुछ करना है? नहीं सर, मैं बोल रही थी हम लोग मतलब आपको कुछ नहीं करना, वी कैन लाइक स्वैप वीडियो एंड शेयर्ड स्क्रीन कंटेंट लाइक व्यू में जाके। अच्छा, एक बार सबको बता दीजिए क्या करना है। व्यूज व्यूज में जाके करना है। व्यू व्यू में क्लिक करके उधर मतलब साइड बाय साइड स्पीकर, साइड बाय साइड गैलरी, वो सब ऑप्शंस के नीचे है स्वैप वीडियो एंड शेयर्ड स्क्रीन, तो वो क्लिक करके आपका वीडियो आ रहा है सिर्फ। देख लो, तुमको छोटा दिख रहा था वो, अब देखो एक बार। Now it's okay. Yes. Okay. So what I was saying is basically this is a you know screw kind of thing which is in my hand, thumb ke pass. इसको मैं आगे पीछे करके basically इसके jaws को basically move करा सकता हूँ, ठीक है? This is what I'm doing. तो initially जब ये दोनों jaws एक दूसरे को touch करते हैं यहाँ पे, एकदम बिल्कुल touch करके रखते हैं, तब यहाँ पे zero of main scale and zero of vernier scale coincide करना चाहिए, ठीक है? अगर वो दोनों coincide करते हैं, इसका मतलब है zero error आपके instrument में नहीं है, ठीक है? There's no zero error in that. देखो आपको दिख रही है, नहीं दिख रही है आपको? जीरो एरर मेरे इंस्ट्रूमेंट में नहीं है, कैन यू सी? यस सर। सो अब मैं क्या कर रहा हूं, जैसे सपोजली यहां पे ये कैप है, इस कैप का इंटरनल डायमीटर मुझे मेजर करना है। एक तो एक्सटर्नल डायमीटर है, यहां से अगर आप देखोगे तो इधर से ही एक्सटर्नल डायमीटर मिलेगी, और अंदर से भी तो एक डायमीटर व्हिच इज कॉल्ड एज इंटरनल डायमीटर। तो इंटरनल डायमीटर मेजर करने तो मुझे क्या करनी पड़ेगी, यहां पे इसको रखना है ये वाले ऊपर वाले पार्ट में, और उसके बाद फिर इसको स्लाइड करना है ये स्क्रू को, और उसके बाद से इसको अटकाना है यहाँ पे, तब तक जब तक दोनों जॉज जो हैं इस कैप के अंदर वाले पार्ट को टच नहीं कर जाते। अब देखो यहाँ पे ये टच कर चुका है, अब टच कर चुका है, देखो दिख रही है आपको ऐसी? यस सर। ठीक है, तो ये इंटरनल डायमीटर मेजर करने के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है? इस तरीके से हम इंटरनल डायमीटर्स को मेजर कर पाएंगे। अब दूसरा होता है एक्सटर्नल डायमीटर, अगर किसी चीज का मेजर करना है तब कैसे करते हैं? अब एक्सटर्नल डायमीटर को मेजर करने के लिए हम लोअर जॉज को यूज करते हैं, वी यूज द लोअर जॉज इन दिस केस। जैसे अगर मान लो कि आपको ये एक पेन है, इस पेन का आपको डायमीटर मेजर करना है कि ये पेन का डायमीटर कितना है, तो अब आप क्या करोगे, आप लोअर जॉज का हेल्प लोगे। तो आप लोअर जॉज को क्या करते हो, यहाँ पे लगाते हो, और उसके बाद फिर आप देखते हो कि अब जो रीडिंग आएगी ये रीडिंग हमें हेल्प करेगी ये एक्सटर्नल डायमीटर मेजर करने के लिए। आपको समझ आई क्या करना है? इंटरनल डायमीटर को मेजर करने के लिए ऊपर वाले जॉब्स यूज करते हैं, एक्सटर्नल डायमीटर मेजर करने के लिए हम नीचे वाले जॉब्स को यूज करते हैं। और एक और चीज आप इसमें से मेजर कर सकते हो, अगर किसी कंटेनर में लिक्विड का लेवल कितना है वो अगर मेजर करना है, तब यहाँ पे देखो इस स्केल के पीछे में देखो यहाँ पे एक रॉड है, आपको दिख रही है? ये रॉड का अगर बॉटम देखोगे आप ध्यान से, ये रॉड का बॉटम जो है वो एकदम इस स्केल के एकदम बॉटम से चिपका हुआ है, दिख रहा है? ये वाला एंड से चिपका हुआ है, दिख रहा है? सो व्हेन आई एम स्लाइडिंग दिस, देखो जैसे जब मैं इसको स्लाइड करता हूँ, ऐसे स्लाइड करूंगा तो जैसे ये स्लाइड होगा तो देखो नीचे में वो वाला पोर्शन बाहर निकलता जाएगा, कैन यू सी? दिख रही है आपको? यस सर। यस सर। यस सर। ये देखो यहाँ से देखो निकलता जाएगा, देखो जैसे जैसे इसको स्लाइड करते जाएंगे वो और ज्यादा निकलता जाएगा बाहर की तरफ। तो अगर मुझे लेवल वहां पे लिक्विड का मेजर करना है, किसी भी कंटेनर में लिक्विड का लेवल मेजर करना है कितनी है, तो हम क्या करते हैं उसको ऐसे वर्टिकली ऐसे इस कंटेनर में डाल देते हैं, ऐसे कंटेनर में डालते हैं, और तब तक डालते हैं जब ये वाला जो एंड है इस स्केल का एंड जो है वो आपके कंटेनर के लिक्विड के सर्फेस से मैच निकल जाता। तो अगर ये सर्फेस से मैच कर गया तो इसका मतलब ऑब्वियसली जितना दूर ये है यही तो लिक्विड का लेवल होगा ना। हरी बात समझते आपको? यस सर। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो इसमें वो अच्छी चीज अच्छे से दिख रही है। देखो एक मिनट, सर एक डाउट है। हाँ भैया, एक मिनट, मैं थोड़ा इसमें ना बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं अभी ढूंढ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे वापस से स्क्रीन पे कैसे जाना है। मेरी इमेज दिख रही है स्क्रीन में, पता चला गया। हाँ वाले, ठीक है। हाँ बताइए क्या डाउट पूछ रहे थे, बताइए। यस सर, जब हम
डायमीटर मेजर करते हैं जैसे इंटरनल डायमीटर, तो हमें तो हम कौन से रीडिंग को लेते हैं, स्लाइडिंग स्केल का रीडिंग? मैं आपको रीडिंग लेना अभी तक सिखाया नहीं मैंने आपको, अभी मैं रीडिंग लेना सिखाऊंगा ना आपको, ठीक है? अभी रीडिंग लेना नहीं सिखाया बेटा मैंने आपको, ठीक है? अभी रीडिंग लेना सिखाऊंगा, बस मैं आपको ये बताया कि इस इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से आप क्या क्या चीजें मेजर कर सकते हो। आप इंटरनल डायमीटर मेजर कर सकते हो, एक्सटर्नल डायमीटर्स मेजर कर सकते हो, और किसी कंटेनर में किसी लिक्विड का लेवल जनरली मेजर करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, या फिर कोई भी कंटेनर का डेप्थ आप कितना है वो भी मेजर करने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है? यस सर। ठीक है, ये आपको यूसेज बताया कि क्या करते हैं आप उसके हेल्प से। अब अगला सवाल ये आता है कि अब हम मेजरमेंट्स करते कैसे हैं, हाउ डू वी डू द मेजरमेंट। जो सबसे नॉर्मल वर्नियर स्केल है, पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ, जो सबसे नॉर्मल वर्नियर स्केल जो आप यूजुअली देखते हो, ये सबसे कॉमन वर्नियर स्केल है, सबसे कॉमन वर्नियर स्केल, मतलब मेरे हाथ में भी जो वर्नियर स्केल है वो बेसिकली यही वाला वर्नियर स्केल है। इस वर्नियर स्केल में, इस वर्नियर स्केल में अगर आप देखोगे तो ये वाले पार्ट में देखो, ये वाले पार्ट में आप देखोगे तो 10 डिविजन आपको दिख रहे हैं, दिख रहे हैं आपको 10 डिविजन? हां सर, यस सर। इसको हम वर्नियर स्केल डिविजन कहते हैं, दीज आर कॉल्ड एज वर्नियर स्केल डिविजन। और ये तो मेन स्केल है, ये वाला तो मेन स्केल है, ये वाला लंबा वाला जो है ये मेन स्केल है। अगर आप देखोगे तो उसके 9 डिविजन देखो, मेन स्केल के 9 डिविजन वर्नियर स्केल के 10 डिविजन से मैच कर रहे हैं। कैन यू सी दैट? यस यस। कैन यू सी एवरीबॉडी? यस सर। तो ये हमारा सबसे यू नो नॉर्मल वर्नियर स्केल है, जिसमें आप 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स को 9 मेन स्केल डिविजन से मैच होता हुआ देख रहे हो। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, 10 वर्नियर स्केल डिविजन इज मैचिंग विद 9 मेन स्केल डिविजन। तो आप क्या बता सकते हैं इसमें से एक वर्नियर स्केल डिविजन कितना है हमारा, बता सकते हैं? 9 मेन स्केल डिविजन। One vernier scale division is basically 9 by 10 part of one main scale division. And एक main scale division इसका कितना है? एक main scale division कहने का क्या मतलब? 10 by 9. 1 millimeter. 1 millimeter. 1 millimeter. एक main scale division का क्या मतलब हुआ? ये जो सबसे छोटी separation जो आपको main scale में दिख रही है, वो कितनी है? आपको ये नहीं पता ये कितनी होती है? Do we know that or not? 1 मिलीमीटर होती है ना, जो सेंटीमीटर स्केल होती है आपके पास, जो सेंटीमीटर स्केल होती है उसमें जो सबसे छोटा डिवीजन होता है वो कितने का होता है? 1 एमएम का ही होता है ना, राइट? सो ये यूजुअल वाला ही है, तो इसलिए उसमें आपको 1 मेन स्केल डिवीजन 1 एमएम का ही मिलेगा। यहां पे ऑलरेडी दिया हुआ भी उसने, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू कितनी होगी आपके पास? 0.9 एमएम हो गई, करेक्ट है ना? सो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज बेसिकली 0.9 एमएम, ठीक है? अब इस इंस्ट्रूमेंट अगर आपसे पूछे लीस्ट काउंट कितना है, मतलब सपोजली हमसे पूछा गया है कि इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कितना है, हमें ये फाइंड करके बताओ। इसको थोड़ा सा ज़ूम करके अब ड्रॉ करता हूं। ओके, ये चेक करो आप यहाँ पे। देखो ये थोड़ा सा जूम इन करके आपको देखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे इसी एक्चुअली दोनों चिपक जा रहे हैं, जब मैं इसको ड्रॉ करने जा रहा हूँ थोड़ा पास में तो अपने आप ही चिपक जा रहे हैं। देखो आप अगर नोटिस करोगे तो एक वर्नियर स्केल का जो फर्स्ट रीडिंग वाला पोजिशन है और मेन स्केल का फर्स्ट रीडिंग वाला पोजीशन है, उन दोनों के बीच में एक छोटी सी स्पेसिंग है, आपको दिख रही है? यस सर। राइट? यस सर। वो वाली डिवीजन सबसे छोटी मेजरमेंट है जो आप यहाँ पे कर सकते हो, वो डिवीजन सबसे छोटी मेजरमेंट है जो आप कर सकते हो, ठीक है? दैट इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट यू कैन मेक। इसी को बेसिकली हम यहाँ पे लीस्ट काउंट कहते हैं। द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट यू कैन मेक यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट इज बेसिकली द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, आपको अगर याद हो तो, राइट? तो ये वाला सेपरेशन ही बेसिकली आपका लीस्ट काउंट कहलाता है यहाँ पे। तो ये लीस्ट काउंट कितनी बन रही है यहाँ पे आपको दिख रही है? एक मेन स्केल डिवीजन और एक वर्नियर स्केल डिवीजन, उन दोनों का ही तो सेपरेशन लेना है ना आपको, राइट? हाँ सर, समझ आ रही है आपको? तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन फाइंड करनी है। तो ये वाली सेपरेशन बेसिकली, ये वाली सेपरेशन आपकी लीस्ट काउंट कहलाएगी। दिस सेपरेशन विल बी कॉल्ड एज लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है? सो लीस्ट काउंट क्लियरली आपको दिख रहा है, सो लीस्ट काउंट इज
लीस्ट काउंट इज वन मेन स्केल डिवीजन एंड वन वर्नियर स्केल डिवीजन, इन दोनों का डिफरेंस होगा. एक मेन स्केल डिवीजन था 1 mm का एंड एक वर्नियर स्केल डिवीजन था आपका 0.9 mm का. इसका मतलब हो क्या, ये 0.1 mm आपका लीस्ट काउंट है. जिसको आप सेंटीमीटर लिखेंगे तो 0.01 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो. इसका मतलब है कि बेसिकली अगर आप नॉर्मल एक स्केल यूज करते हो जो आपके पेंसिल बॉक्स में होता है, उसमें आप 1 mm आप सबसे छोटा मेजरमेंट कर सकते हैं. बट वर्नियर कैलिपर्स अगर आप यूज करते हो तो उस 1 mm को भी आप 10 पार्ट्स में डिवाइड करके उसका एक स्मॉलेस्ट पार्ट भी आप मेजर कर सकते हो. मतलब इस 1 mm बेसिकली कौन सा है, कौन सा पार्ट है 1 mm? देखो ये पार्ट और ये पार्ट, इनके बीच का जो सेपरेशन है इसको हम 1 mm कह रहे हैं. और इसको वो क्या कह रहे हैं, 10 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं और उस 10 पार्ट्स का आप एक पार्ट को मेजर कर पा रहे हैं. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? यस सर. यस सर. ठीक है, तो ये आपका लीस्ट काउंट है. इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट यही है. अगर इसमें जीरो मतलब जीरो ऑफ मेन स्केल एंड जीरो ऑफ वर्नियर स्केल ये दोनों कोइंसाइड करते हैं तो हम कहते हैं कि इंस्ट्रूमेंट में कोई भी जीरो एरर नहीं है. देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, दिस इज नो जीरो एरर, इसमें कोई भी जीरो एरर नहीं है. बट अगर जीरो ऑफ मेन स्केल एंड जीरो ऑफ वर्नियर स्केल डू नॉट कोइंसाइड तो फिर उस केस में आपका जीरो एरर आएगा. अब वो जीरो एरर पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, ये भी बताता हूँ. बट अभी फिलहाल के लिए नो जीरो एरर का मतलब आपको बता दिया. नो जीरो एरर का क्या मतलब है, इसका क्या मतलब बताया, जीरो ऑफ मेन स्केल, जीरो ऑफ मेन स्केल should coincide with, should coincide with zero of vernier scale. ठीक है, अब मान लो कि ये वाली स्केल को यूज करके, ये वाली जो स्केल है इसको यूज करके हमें किसी एक ब्लॉक का मेजरमेंट करना है. ठीक है, ये वाली स्केल को यूज करके, और अब हम यहां पे उसकी मेजरमेंट के लिए एक ब्लॉक यूज कर रहे हैं. ये देखो, ये हमने उसी स्केल को यूज किया. मतलब यहाँ पे जो स्केल हमें दिया हुआ था जिसमें दोनों जॉज पहले चिपके हुए थे तो जीरो जीरो कोइंसाइड कर रहा था, अब इसी स्केल को यूज करके मुझे देखो एक मार्बल बॉल का डायमीटर को मेजर करने के लिए बोला है. मार्बल बॉल का जब हम डायमीटर मेजर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल डायमीटर यूज कर रहे हैं, राइट? और एक्सटर्नल डायमीटर को मेजर करने के लिए कौन सा जॉ यूज करते हैं, ऊपर वाला जॉ या नीचे वाला जॉ, कौन सा यूज करते हैं? नीचे वाला जॉ. देखो लोअर जॉ में देखो मैंने इसको ये मार्बल बॉल को देखो फंसा रखा है, आपको दिख रही है? ठीक है, अब ये डायमीटर जो डी हमने डायग्राम में मार्क कर रखा है, ये डायमीटर डी हमको मेजर करने का है. तो इसको मेजर करने का पहले आपको एकदम बिल्कुल बेसिक स्टेप सिखाता हूँ और उसके बाद फिर एक फॉर्मूला भी आपको बता दूंगा. ठीक है, अगर मान लो कि कोई लीस्ट काउंट नहीं जानता है, सपोजली कोई लीस्ट काउंट नहीं जानता है तो क्या वो ये रीडिंग फाइंड कर सकता है या नहीं कर सकता, पहले वो सीखते हैं. ठीक है, दिस इज वेरी बेसिक, वेरी बेसिक. मतलब इसमें कुछ भी फॉर्मूलाज में यूज नहीं करूंगा, आप देखना कुछ भी फॉर्मूलाज में यूज नहीं करूंगा. मैं जस्ट इसको थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ जस्ट यू नो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ताकि आपको क्लैरिटी से समझ में आए. देखो इस तरह के मेजरमेंट्स में आपको एक चीज तो समझ में आना चाहिए कि जितना भी डिस्टेंस आपका जॉज स्लाइड करता है वही डिस्टेंस ही तो बेसिकली आपको मेजर करना है ना, क्योंकि पहले दोनों जॉज क्या थे, चिपके हुए थे. देखो ये दोनों जॉज क्या है, पहले तो चिपके हुए ना, ये दोनों जॉज दिख रही है आपको, दिख रही है? तो जितना आपने इसको स्लाइड किया, तो जितना डिस्टेंस स्लाइड होगा क्या वही डिस्टेंस आपको नहीं मेजर करना है, कुछ सोचो. यस सर. अंडरस्टूड. अब ये सोचो कि इनिशियली आपका जो जीरो था वो कहां पे था, इनिशियली जीरो कहां पे था, वर्नियर स्केल का जीरो कहां पे था, मेन स्केल के जीरो पे था ना. इनिशियली जीरो ऑफ वर्नियर स्केल वाज एट जीरो ऑफ मेन स्केल. इसका मतलब आपका स्केल स्लाइड कितना किया है, ये वाला डिस्टेंस ही तो स्लाइड किया ना. देखो तो चेक करो, किया या नहीं किया? Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब ये ही आपका डायमीटर डी है, सही कह रहा हूँ मैं? सही कह रहा हूँ? Yes, sir. ओके, अब ये नोटिस करो कि वर्नियर स्केल का जो डिविजन है और मेन स्केल का जो डिविजन है वो कहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है. आप खुद ध्यान देके मुझे बताओ कौन सा नंबर ऑफ डिविजन ऑफ वर्नियर स्केल आपके मेन स्केल के साथ डिविजन में कोइंसाइड कर रहा है. फोर फाइव सिक्स सेवन, आपको दिख रही है सेवेंथ वाली डिवीजन पूरी की पूरी कोइंसाइड कर गई है. कैन यू सी? यस सर. एवरीबॉडी? यस सर. ठीक है, तो जहां पे कोइंसाइड करती है वो वाली पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप उसको मार्क करते हो. ठीक है,
देखो यहाँ पे ये सेवंथ वाले पोजीशन पे ये कोइंसाइड किया, तो मैंने इसको मार्क कर लिया। देखो यहाँ पे ये वाली पॉइंट को मार्क कर लिया, ठीक है। ये वो लोकेशन है जहां पे मेन स्केल डिवीजन एंड वन ईयर स्केल डिवीजन आपकी कोइंसाइड कर रही है, ठीक है। अब देखो अगर मैं आपसे पूछूं, कि ये वाली लेंथ कितनी है, व्हाट इज दिस लेंथ ओवर हियर, व्हाट इज दिस लेंथ ओवर हियर, 1.9 सेंटीमीटर। क्यों बोला आपने? क्योंकि 19 डिविजन आपको दिख रहे हैं, राइट। 19 divisions of main scale दिख रहे हैं आपको, इसीलिए तो बोला आपने, right? Yes, sir. Yes. इसका मतलब ये 19 main scale division है, correct? Yes, sir. Yes, sir. अब आप बताओ ये वाली length कितनी है? ये वाली length. What is this length over here? कितने divisions हैं इसमें? 7 divisions. तो क्या हम इसको लिख सकते हैं? This is 7, ये वाली part. This is 7 vernier scale division. Can we write that? Yes, sir. तो अब देखो कि आपको D मिल नहीं गया, डायग्राम देखो और बस ये बता दो मुझे कि आपको D मिल गया या नहीं मिल गया। Yes, sir. Yes, sir. 19 main scale division से अगर मैं 7 scale division को subtract कर दूं तो मुझे D नहीं मिल जाएगा। Yes, sir. That's it. So this is how you calculate the diameter. So diameter अगर आप मुझे निकालनी है, so what I'll write is 19 main scale division minus 7 vernier scale division. 19 main scale division. Each main scale division is 1 mm. So 19 into 1 mm कर लेंगे. And minus of 7 vernier scale division. एक vernier scale division हमने कितना निकाला था, कोई याद है? 0.9 mm था, right? Right? Yes, sir. 19 mm minus of 7 9s are 63. So 6.3 mm. So 19 में से 6 गया तो आपका 13, so you get 12.7 mm, correct, है ना? Yes, sir. Right? Yes, sir. Yes, sir. इसको अगर आप centimeters में लिखोगे तो क्या लिखोगे? 1.27 centimeters, correct है? समझ आई आपको? हाँ सर. Yes, sir. आप देखो यहाँ पे कहीं पे भी मैंने least count use किया है क्या? Did we use the least count? No, sir. नहीं, यही अच्छी चीज है कि आपको least count की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ये basic से चीज से करते हैं, आपको बस एक चीज का समझ में आना चाहिए इसमें। इसमें जैसे एक चीज समझना है आपको, और वो ये है कि जितना डिस्टेंस आपका जॉज स्लाइड करता है, whatever distance your jaws is sliding, actually that distance is supposed to be measured. तो वो डिस्टेंस आपको मार्क कर लेना होता है डायग्राम में, जैसे मैंने डी को मार्क किया यहाँ पे, और उसके बाद फिर आपको यू नो जहां पे कोइंसाइड कर रही है मेन स्केल डिवीजन एंड वर्नियर स्केल डिवीजन, वो वाली लाइन को मार्क करनी होती है। एंड अकॉर्डिंगली बस आपको मेन स्केल डिवीजन टोटल कितना लिया है, वर्नियर स्केल डिवीजन कितना लिया है, इन दोनों के डिफरेंस से आपको क्या मिलता है, आपको वो डायमीटर डी मिल जाती है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, ठीक है, ओके। अब इसका अगर कोई फॉर्मूला इससे कैलकुलेट करना चाहता है, जैसे बुक्स में फॉर्मूलाज दिया होता है, बहुत लोग फॉर्मूलाज पे ही डिपेंडेंट होते हैं, तो मैं उनके लिए भी आपको बता देता हूँ कि इसमें फॉर्मूलाज कैसे यू नो यूज करते हैं। Formula to be used for taking the reading. So reading will be, एक हम लिख रहे हैं MSR, MSR मतलब मेन स्केल रीडिंग लिखनी है, ठीक है, मेन स्केल रीडिंग प्लस VSR मतलब वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट एंड माइनस ऑफ Z मतलब जीरो एरर लिख रहे हैं, ठीक है। ये है आपका मेन स्केल रीडिंग, मतलब मेन स्केल रीडिंग, इसको मैं फुल फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, दिस इज मेन स्केल रीडिंग। मैं आपको बता रहा हूँ मेन स्केल रीडिंग क्या होगा, ठीक है, एक एक करके बताता हूँ। पहले मैं लिख दे रहा हूँ, दिस इज वर्नियर स्केल रीडिंग, VSR इज वर्नियर स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग, एलसी तो लीस्ट काउंट आपको पता है, एंड जेड इज जीरो एरर, जीरो एरर, जीरो एरर कब आता है, इफ जीरो ऑफ मेन स्केल does not coincide
आपको इनसाइट विथ जीरो ऑफ वन ईयर स्केल. ठीक है, अब इसमें मेन स्केल रीडिंग कैसे लेते हो वो बताता हूं. जहां पे भी जैसे आप जब भी आपने जो भी चीज को मेजर करना था, चाहे वो इंटरनल डायमीटर या एक्सटर्नल डायमीटर, आपने जब लगाया जॉज को, जॉज फिक्स हो गया. तो जॉज को फिक्स करने के बाद वर्नियर स्केल का जो जीरो है उसके जस्ट पहले जो आपका मेन स्केल डिविजन आता है, जीरो ऑफ वर्नियर स्केल के जस्ट पहले जो मेन स्केल डिविजन आता है उसको हम उसका मेन स्केल रीडिंग मानते हैं. जैसे यहाँ पे अगर आप चेक करोगे, यहाँ पे चेक करो, अगर मैं आपसे पूछूं मेन स्केल रीडिंग कौन सा है, तो जीरो वर्नियर स्केल देखो और उससे जस्ट पहले वाला स्केल पे, जब जस्ट पहले वाला मेन स्केल पे जाओ तो आपको कौन सा मिल रहा है, आपको 1.2 सेंटीमीटर. 1.2 सेंटीमीटर समझ आ रही है इसको. देखो ये दिख रही है आपको सभी को, ये जो लेंथ है दिस इज बेसिकली मेन स्केल रीडिंग. डिड यू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? यस सर. ठीक है, सो मेन स्केल रीडिंग का मतलब आपको बताया क्या है. सो ये चीज मेंशन कर देता हूं मैं, the division on mean scale just before the zero of vernier scale. ठीक है, अब वर्नियर स्केल रीडिंग कौन सी है. वर्नियर स्केल रीडिंग का मतलब ये होता है कि कौन सी डिविजन वर्नियर स्केल की आपकी मेन स्केल के डिवीजन के साथ कोइंसाइड करती है. कौन सी डिवीजन मेन स्केल की वर्नियर स्केल की मेन स्केल के डिवीजन के साथ मैच करती है. तो वो कौन सा है, यहाँ पे सेवेंथ डिवीजन है, दिख रहा है, यानी सी सेवेंथ डिवीजन है ना वो. यस सर. तो ये वाला जो सेवेंथ डिवीजन हम मार्क कर रहे हैं, दिस विल बी कॉल्ड एज योर वर्नियर स्केल. This will be called as vernier scale reading, VSRI. Understood? So VSR is, vernier scale reading is the division on vernier scale, which coincides with मेन स्केल डिवीजन. ठीक है, अब इस फॉर्मूले को यूज करके हम फाइंड आउट करते हैं कि इसका रीडिंग कितना होता है, इसको निकालते हैं. ठीक है, मतलब फॉर्मूला यूज करके. ये तो मैंने बेसिक से किया है, दिस इज फ्रॉम बेसिक्स और अब मैं फॉर्मूला से करके दिखा रहा हूं. फ्रॉम फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर मैं रीडिंग लेता डायमीटर डी का, तो क्या होता है हमारे लिए, पहले आपको सबसे पहला चीज क्या देखना होता है, मेन स्केल रीडिंग देखना होता है. तो मेन स्केल रीडिंग कितना है, 12 है ना, राइट. हां सर. तो आप यहां पे क्या मार्क करेंगे, 12 मार्क करेंगे यहां पे. सो यू विल राइट दिस एज 12 और ये 12 एक-एक एमएम का है, सो 12 एमएम हो जाएगा ये. ठीक है, फिर प्लस, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना था, आपको वर्नियर स्केल रीडिंग लेना था और उसके साथ लीस्ट काउंट को मल्टीप्लाई करना था. तो वर्नियर स्केल रीडिंग कितना था, 7, राइट. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 7 लेंगे, दिस विल बी 7 एंड इसके साथ लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई होगा. लीस्ट काउंट कितना था, 0.01, राइट. तो इसकी वैल्यू कितनी लिख सकते हैं आप, 1.27 सेंटीमीटर. देखो मैच कर रहे हैं. Yes, sir. I hope everybody's understood this. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. देखो मैं आपको एक और अच्छी चीज दिखाता हूँ, ये आप कैसे कर सकते थे एक और तरीके से, मतलब जो एनालिटिकली मैं आपको बता पा रहा हूँ, मतलब नेकेड आई से देख के वो आपको बता रहा हूँ. ठीक है, आपको ये पता है ना कि मेन स्केल का एक डिवीजन और वर्नियर स्केल का एक डिवीजन, इनके बीच का स्पेसिंग ही बेसिकली लीस्ट काउंट था, राइट, व्हिच वाज 0.01 सेंटीमीटर्स में, करेक्ट. यस सर. यस यस सर. यस सर. ओके, अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ, वो नोटिस करो, थोड़ा ध्यान देना. ठीक है, थोड़ा
ध्यान देना है, जैसे मैं कलर चेंज कर लूंगा, ये देखो यहाँ पे तो कोइंसिडेंट लाइंस है, ठीक है, यहाँ पे कोइंसिडेंट लाइंस है, मैं इसके आगे की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग ऑफ दी लाइंस अहेड ऑफ इट। तुम देखो यहाँ पे देखो ये है वर्नियर स्केल और ये देखो मेन स्केल है, इनके बीच का स्पेसिंग कितना है, 0.1 है या नहीं है, 0.1 है ना, मतलब 0.01 है, लीस्ट काउंट है, राइट, 0.01 सेंटीमीटर में। तो एक बार अगर मैं बोलूं कि एक बार अगर आप ओवरलैपिंग रीजन से अगर आप आगे बढ़ते हो, मतलब ओवरलैपिंग जहां हो रही है वहां से अगर आप आगे बढ़ते हो, तो एक मेन स्केल डिवीजन एक वर्नियर स्केल के रिस्पेक्ट में 0.01 सेंटीमीटर आगे बढ़ जाता है, राइट, सही कह रहा हूं मैं, एक मेन स्केल डिवीजन एक वर्नियर स्केल डिवीजन के रिस्पेक्ट में 0.01 सेंटीमीटर आगे बढ़ जाता है, सही कह रहा हूं मैं, कोइंसिडेंट वाला के बाद, कोइंसिडेंट के बाद में बात कर रहा हूं, पीछे से चल रहे हैं, ठीक है, पीछे से चल रहे हैं, जहां पे कोइंसिडेंट है उसके पीछे से आप चलो, तो आप देखोगे कि कोइंसिडेंस के बाद आप देखोगे तो मेन स्केल डिवीजन आपके वर्नियर स्केल डिवीजन से आगे जाता जा रहा है। तो पहली बार जब वो आगे गया तो कितना डिवीजन से आगे चला गया, वो एक डिवीजन से, और एक डिवीजन में कितना आगे गया, वो 0.01। फिर अब देखो यहाँ पे एक और आगे चला गया, दिख रहा है ये वाला भी आगे निकल गया, तो अब ये दो डिवीजन अगर आगे निकल गया तो इसका मतलब है अब कितना अहेड हो गया मेन स्केल वर्नियर स्केल से, 0.02। गुड, अब देखो ये तीन डिवीजन आगे निकल गया है, देखो ये तीन डिवीजन आगे निकल गई है, अब कितना हेड हो गया है, 0.03। ये देखो फोर्थ डिवीजन आगे निकल गया है, अब कितना हेड हो गया है, 0.04। अब देखो एक और डिवीजन आगे निकल गया, कितना हेड हो गया है, 0.05। 0.05 अब देखो एक और डिवीजन आगे निकल गया, अब कितना हेड हो चुका है, 0.06। अब देखो एक और डिवीजन आगे निकल चुका है, तो कितना हेड हो गया है, 0.07। इसका मतलब आपने ये तो फाइंड कर लिया ना, ये वाला डिस्टेंस कितना था, व्हाट वाज दिस डिस्टेंस, 0.07 होगा, यस सर। आप अच्छे से सोच के देखो क्या हमने इस, आप अच्छे से सोच के देखो क्या हमने कोई फॉर्मूला यूज किया है, नहीं सर, दिस डिस्टेंस वाज 0.07 सेंटीमीटर, तो 12 तो आपका मेन स्केल रीडिंग था ना, 12 मेन स्केल रीडिंग, यस सर, तो 12 mm प्लस 0.0 सेंटीमीटर, 0.07 सेंटीमीटर, और एग्जैक्टली यही तो आंसर हुआ ना हमारा, अंडरस्टूड ना, यस सर, यस सर, ठीक है। अब होती है जीरो एरर, कितने तरह के होते हैं, जीरो एरर आपके दो तरह के होंगे, जीरो एरर आपके दो तरह के होंगे, एक पॉजिटिव जीरो एरर और एक आपका नेगेटिव जीरो एरर होगा। पॉजिटिव जीरो एरर तब हम बोलते हैं जब व्हेन जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज अहेड ऑफ जीरो ऑफ मेन स्केल, और नेगेटिव एरर ठीक इसका उल्टा, व्हेन zero of vernier scale is behind zero of main scale। अब इसमें मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं एक बार, देखो आपको दिख रही है जो मैंने बोला कि आपको दिख रहा है, यहाँ जीरो ऑफ मेन स्केल और जीरो ऑफ वर्नियर स्केल को आप कंपेयर करो, कौन अहेड है, जीरो वर्नियर अहेड है, राइट, और देखो जॉज ऑलरेडी टचिंग है, तो जॉज जब टच करते हैं तो उस केस में जीरो ऑफ मेन स्केल एंड जीरो ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड करना चाहिए था ना, राइट, बट यहाँ पे तो कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, और इसका मतलब है यहाँ पे इसका मतलब जीरो एरर है, और अगर जीरो ऑफ मेन स्केल सॉरी वर्नियर स्केल अगर अहेड है तो ये पॉजिटिव जीरो एरर का केस होता है, ठीक है। अब ये पॉजिटिव जीरो एरर कितना है ये कैसे फाइंड करें, हाउ डू यू फाइंड आउट कितना पॉजिटिव जीरो एरर है, सर कोइंसाइड के बाद से जो, ये तो बेसिकली रीडिंग लेने की तरह ही, आप सोचो रीडिंग लेने की तरह आप ये सोचो मेन स्केल रीडिंग यहाँ पे कितना हो गया, जीरो हो गया ना,
आप सोचो कि ये वाला लेंथ आपको मेजर करना है, इमेजिन करो कि आपको ये वाला लेंथ मेजर करना है, जैसे 0.03 हो गया सर, 0.03 यस सर, 0.03 0.03 सबको समझ आ रही है? हां वेरी गुड, अगर सबको समझ आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। ये देखो ये वाली लाइन है और एक ये वाली लाइन है, हमें इन दोनों लाइन के बीच का ही सेपरेशन निकालने का है, इतने पास पास हैं, ये देखो ये दोनों लाइन के बीच का, आपको समझ आ रही है ना कौन सी हमको निकालनी है? यस सर। ठीक है, we are supposed to find out this thin separation that we can see. आप फिर से पीछे से चलो, आपको समझ में आ जाएगा। देखो एक तो फॉर्मूला और एक कंसेप्चुअली देखो, ये है फर्स्ट, ये तो कोइंसिडेंस वाला पॉइंट है, दिख रहा है आपको कोइंसिडेंस यहां पे हो रहा है? यस सर। अब वहां से पीछे चलते जाओ, आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट टाइम जब वो अहेड हुआ तो कितने से आगे हो गया? 0.01 दो डिविजन, अगर पीछे से दो डिविजन पीछे चले गए तो टू टाइम्स, फिर एक और थ्री टाइम्स, इसका मतलब ये जो है ये कितना है? 0.03 समझ आ गई सबको? कितना आसान है ना ये? यस सर, यस सर। तो वैसे ये होता है कि वैसे पॉजिटिव जीरो या नेगेटिव, मतलब कुछ मैकेनिकल डैमेज कैसे होता है? 0.03 सेंटीमीटर हो गया, क्या बोल रहे हो फिर से बोलो, क्या मैकेनिकल डैमेज क्या बोलो? तो ये होता क्यों है जीरो एरर, कुछ मैकेनिकल डैमेज कैसे हो जाता है, मतलब किस कारण से होता है? मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है ये, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। अगर तुम्हारे जैसा कोई इंसान अगर बनाया होगा तो डिफेक्ट कर ही देगा ना, कैजुअली काम करोगे तो क्या होगा, सीरियसली काम नहीं करोगे तो क्या होगा, तो डिफेक्ट आएगा, ये मैन्युफैक्चरर्स डिफेक्ट है। अगर मैं खरीद रहा हूँ बाजार से, अगर मैं एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट खरीदा है मैंने और मैं देख रहा हूँ कि 0.0 कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब क्या? इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, जिसने बनाया है उसने ये ध्यान रख के नहीं बनाया कि हाँ दोनों को कोइंसाइड करना चाहिए था। ठीक है, सो इसको जीरो एरर कह रहे हैं। अब सोचो, अभी तुम सोच के देखो, ऑलरेडी अभी हमने कोई भी इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे रखा नहीं है, अभी हमने कोई इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट के लिए रखा है क्या? मतलब इसके अंदर, इसके जॉज के अंदर कुछ डाला है क्या? अभी जॉज के अंदर कुछ डाला है हमने? नो सर, नहीं कुछ भी नहीं डाला है। और फिर भी ये नॉन जीरो, और फिर भी ये नॉन जीरो रीडिंग दे रहा है ना? दे रहा है, नहीं दे रहा है? हाँ सर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि ये पॉजिटिव जीरो एरर इसीलिए कह रहा है क्योंकि ये ऑलरेडी नॉन जीरो रीडिंग दे रहा है हमें। तो जब हमारा फाइनल रीडिंग जब आएगा इसके अंदर, मान लो हमने किसी चीज को डाल दिया और डालने के बाद हम मेजरमेंट कर रहे हैं, तो मेजरमेंट जब हम लेंगे तो वो मेजरमेंट में हमको ये जीरो एरर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा या ऐड करना पड़ेगा? सोचो, समझ आ रही है आपको? क्योंकि ये तो ऑलरेडी, ये तो पहले से, ये तो पहले से ही एडेड है, और इसीलिए वहां पे जीरो एरर हमने क्या किया था? सब्ट्रैक्ट किया था। अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो यहाँ पे मैंने सब्ट्रैक्शन का किया था, दिख रही है आपको? राइट, यस सर। ठीक है, सो ये पॉजिटिव जीरो एरर वही चीज है। तो यहाँ पे जीरो एरर निकालने का तरीका क्या होगा आपके लिए? जीरो एरर, अगर पॉजिटिव जीरो एरर अगर आप फाइंड कर रहे हो तो बस रीडिंग की तरह ही लेने की तरह है। रीडिंग आपका क्या होगा? अगर जीरो एरर इसमें फाइंड कर रहे हैं, इफ यू आर फाइंडिंग आउट जीरो एरर, तो ये जेड निकालने के लिए आपको क्या करना है? जस्ट आपको मेन स्केल रीडिंग आपको लेनी है। मेन स्केल रीडिंग कितनी है? मतलब फॉर्मूले की तरह मैं बोल रहा हूँ, एक तो आपको ऑलरेडी निकाल के दिखा दिया मैंने कितना है, बट फॉर्मूले जो पे जो लोग डिपेंडेंट है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आपको क्या करना था? एमएसआर लेना था और एमएसआर के साथ आपके वीएसआर एंड इनटू लीस्ट काउंट करना था। ठीक है, यही करना है। तो एमएसआर आपकी क्या है यहाँ पे? जीरो है, सो दिस इज जीरो। एंड वर्नियर स्केल रीडिंग आपका 3 है और लीस्ट काउंट कितना है? 0.01 सेंटीमीटर है, तो ये आपका 0.03 सेंटीमीटर आ गया, दिस इज लीस्ट जीरो एरर। ठीक है, सबको समझ आ गई है? यस सर, यस सर। बोलिए, कोई कुछ पूछ रहा है शायद? सर, खरीदने के बाद क्या वर्नियर कैलिपर में जीरो एरर अगर नहीं है और खरीदने के बाद क्या कोई एरर आ सकता है? हाँ, आ सकता है, मिसहैंडलिंग से आ सकता है। मिसहैंडलिंग मतलब अगर आप इसको पीटते रहोगे, ऐसे ऐसे पीटोगे तो ओरिएंटेशन थोड़ा इधर उधर हो सकता है ना, हो सकता है ना। सर, जॉस के इरोशन से क्या हो सकता है? मींस फ्रिक्शन से अगर वो जॉस अगर डिफेक्ट हो जाए? नहीं, बट वो इसके अंदर का मटेरियल अगर खा जाएगा तो उससे ये दोनों को कोइंसाइड करने में क्यों प्रॉब्लम होगा? हाँ, बट अंदर में मैं कह रहा हूँ, देखो इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसको इधर से थोड़ा भी ओरिएंटेशन ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा या ऐसा हो गया तो उस केस में ऑब्वियसली वो कोइंसाइड नहीं करेगा। क्योंकि अगर आप ऐसे सोचो कि अगर थोड़ा सा ऐसा घुमा दूंगा इस स्केल को, तो ऑब्वियसली एक लाइन दूसरी लाइन से इधर थोड़ा सा इधर टिल्ट हो जाएगा। आपको बात समझ आ रही है? आई डिस नहीं, ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए।
ओके चलो एक बार एक काम करते हैं, इस स्केल से मान लेते हैं ये जीरो एरर वाला पॉजिटिव जीरो एरर वाला स्केल एक दिया हुआ है हमें और उसके हेल्प से हमको एक रीडिंग लेनी है, ठीक है। ये देखो ये मान लेते हैं हमको दे रखा है इस स्केल से, ये पॉजिटिव जीरो एरर वाला स्केल दिया हुआ है और उस स्केल से मान लो एक ब्लॉक का मुझे साइड लेंथ ए मेजर करना है, ठीक है। इस ब्लॉक का साइड लेंथ ए हमको मेजर करने का है। अब मैं आपको फिर से अगेन वही सेम बात बोलूंगा कि दो तरीके से आप इसको फाइंड कर सकते हैं, एक है बेसिक से और एक है अपना फॉर्मूला लगा के। फॉर्मूला लगा के एक बार ट्राई कर लेते हैं कि इससे मैच करता है नहीं करता। सबसे पहले आप यहाँ डायग्राम को देख के बताओ मुझे इसमें मेन स्केल रीडिंग कितनी है, व्हाट इज द मेन स्केल रीडिंग, ध्यान से देख के बताना, काउंटिंग अच्छे से करो। 2.2 सेंटीमीटर। क्या बोल रहे हो, जीरो ऑफ वर्नियर स्केल देखो कहाँ पे है। 2.5 सेंटीमीटर। सबको दिख रही है 2.5 है। Yes, आपको तो ये वाली रीडिंग लेनी है ना, दिस इज एमएसआर नो। यस जीरो वर्नियर के जस्ट पहले वाला, अगर आप इसको देख रहे हो तो आप गधे हो एक नंबर के। आपको जीरो ऑफ वर्नियर स्केल देखना और उसके जस्ट पहले वाला लेना है, ठीक है। सो ये आपका वर्नियर स्केल मेन स्केल रीडिंग हो गया। अब आप देखो कि वर्नियर स्केल रीडिंग कितना है, 3.2। वीएसआर कितनी है, वीएसआर 7.2। बेवकूफ, ये 7 है, 3.2 नहीं है, 7 है, राइट। यस सर, दिस इज वीएसआर, ये 7 हो गया। अब आप फॉर्मूला यूज कर लो, आप फॉर्मूला यूज करो, देखो आंसर आता है या नहीं आता है, फिर हम बेसिक से भी करेंगे, ठीक है। पहले फॉर्मूला यूज करते हैं, तो ए की वैल्यू हमें क्या लिखनी चाहिए, क्या था हमारा एमएसआर, विच इज कितना 25, राइट। यस सर, तो 25 mm लिखा एंड प्लस वीएसआर इनटू लीस्ट काउंट, सो 7 इनटू क्या करना पड़ेगा 0.01 सेंटीमीटर। फिर इसके साथ क्या ऐड, सॉरी क्या सब्ट्रैक्ट करना था हमें, जीरो एरर सब्ट्रैक्ट करना था ना सर, तो ये कितना हो जाएगा, जीरो एरर कितना था हमारा 0.03 सेंटीमीटर, तो कितनी आ रही है ये 2.54 सेंटीमीटर। कैन यू सी, यस एवरीबॉडी ठीक है, यस सर, ठीक है। अब इसको बेसिक से करते हैं, सपोज लिए हमको ये फॉर्मूला नहीं पता है, तो देखते हैं हम अगर फॉर्मूला से कर सकते हैं नहीं कर सकते। मैंने आपको क्या सिखाया था कि जितना डिस्टेंस आपका जॉज स्लाइड करता है वही डिस्टेंस आपको मेजर करना है, यही बताया आपको, बताया या नहीं। हाँ सर, ठीक है, अब उस अप्रोच से कर रहे हैं, ठीक है, वी आर डूइंग दैट अप्रोच नाउ। ये चेक करो, आपको याद है इनिशियली हमारा जो जीरो वन ईयर स्केल था वो कहाँ पे था, जीरो से थोड़ा आगे था ना, था या नहीं था, दिस वाज इनिशियल पोजीशन ऑफ जीरो ऑफ वन ईयर स्केल, समझ आ रही है आपको, है ना। तो हमारा जो जॉ है वो कितना स्लाइड किया बताओ मुझे, क्या उसने ये डिस्टेंस स्लाइड नहीं किया, किया या नहीं। अब देखो आप जीरो ऑफ मेन स्केल जहां है वहां से आप देखो ये वाला लेंथ आपको पता है ना, दिस इज ये वाली लेंथ तो जेड थी ना, ये लेंथ जेड थी राइट, और ये जेड कितना था 0.03 सेंटीमीटर, करेक्ट है, ठीक है ना। यस सर, अब आप क्या करो, बस जीरो वाला जो लाइन है मेन स्केल का जो जीरो वाला लाइन है उधर से जहां पे वर्नियर स्केल डिवीजन को इनसाइड कर रही है मेन स्केल डिवीजन से वहां पे चले जाओ, कहां तक जाना है हमें, यहां तक जाना है, करेक्ट करेक्ट, यहां तक जाना है। यस सर, अब आप चेक करो, चेक करो ये वाली लेंथ कितनी होगी, व्हाट इज दिस लेंथ ऑफ यू, 32 मेन स्केल डिविजंस, वेरी गुड, 32 मेन स्केल डिविजंस, वेरी गुड, ठीक है। अब नीचे से कैलकुलेट करो इसको, तो 32 मेन स्केल डिविजंस को फ्रॉम बेसिक्स कर रहे हैं, ठीक है, वो तो फॉर्मूला लगा लिया हमने, अब फ्रॉम बेसिक्स करके दिखा रहा हूं मैं आपको। तो अभी क्या करना है आपको, 32 मेन स्केल डिविजन
को हम लिख सकते हैं जेड है प्लस ए है प्लस 7 वर्नियर स्केल डिवीजन है, करेक्ट है? चेक करो। यस सर। ठीक है। हाँ सर। तो अब आपका ए का वैल्यू क्या होगा, 32 मेन स्केल डिवीजन मतलब 32 mm, मतलब 3.2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं इसको। अब इसमें से आपको जेड सब्ट्रैक्ट करना है, जेड सब्ट्रैक्ट करना है मतलब 0.03 सब्ट्रैक्ट करना है सेंटीमीटर में, और फिर आपको 7 वर्नियर स्केल डिवीजन भी सब्ट्रैक्ट करनी है। एक वर्नियर स्केल डिवीजन कितना था याद है आपको, 0.9 सेंटीमीटर था, do you remember? Yes. Yes. अब देखो यहाँ पे, so what you getting is 3.2 सेंटीमीटर और इसमें से 0.03 सेंटीमीटर सब्ट्रैक्ट होगा एंड फिर इसमें से 7 × 63, so this is 6.3 सेंटीमीटर ही सब्ट्रैक्ट होगा, so this becomes, अरे कुछ गलत कर दिया क्या मैंने, क्या फिर से क्या गलत किया है, तो 0.09 नहीं होगा, तो 7 × 0.09 नहीं बेटा 0.09 क्यों होगा, एक वर्नियर स्केल डिवीजन तो 0.9 ही है ना, 0.09 मिलीमीटर है, हाँ ये मिलीमीटर है, 3.63 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना, दिस इज मिलीमीटर, सो 6.3 मिलीमीटर है, सो 0.63 सेंटीमीटर हो जाएगा, अब देखो क्या ये 2.54 सेंटीमीटर आ रही है, आ रही है, एक आपने फॉर्मूला लगा के किया और एक है पूरा बेसिक से किया, आपको दोनों चीजें समझ आ रही है या कोई एक पार्ट में कंफ्यूजन हो रहा है, दोनों चीजें समझ आ रही है या कोई पार्ट में कंफ्यूजन हो रहा है, बोलोगे नहीं ना, समझ आ रही है, समझ आ गया, वेरी गुड, मतलब दो तीन लोगों को ही समझ आ रही है, मैं इतना मेहनत करके अभी नेगेटिव वाला देखते हैं, नेगेटिव जीरो वाला थक तो नहीं गया, नेगेटिव जीरो एरर वाला खत्म कर दूं या फिर नहीं करूं, छोड़िए ना आज, छोड़िए, छोड़ दूं, एक नेगेटिव जीरो एरर बचा है इसको छोड़ दूं, यार आप समझ रहे हो कि अगर मैं इसको छोड़ूंगा फिर ये फ्रेश स्टार्ट करने के जैसा होगा अगले दिन, क्या सबको लग रहा है ऐसा, छोड़ दूं फिर छोड़ देंगे, अच्छा ठीक है, चलो आज उस टाइम एग्जांपल कर लेंगे, ठीक है, आप जी एडवांस के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, हाँ ठीक है मैं वो करेगा, जैसे जब यूजुअली क्या होता है, जो नॉर्मली वर्नियर स्केल्स होते हैं उसमें मेन स्केल डिवीजन कम होते हैं ओवरलैपिंग विद वर्नियर स्केल डिवीजन ज्यादा होते हैं, जैसे हमने देखा था 9 मेन स्केल डिवीजन वाज कोइंसाइडिंग विद 10 वर्नियर स्केल डिवीजन, इनको हम प्रोग्रेसिव स्केल कहते हैं, प्रोग्रेसिव स्केल होता है वो, और एक तरह का स्केल होता है जिसमें आपका मेन स्केल डिविजन्स ज्यादा होते हैं और वर्नियर स्केल डिविजन्स कम होते हैं, उसको रेग्रेसिव स्केल कहते हैं, ठीक है, उसके एग्जांपल सर्च करेंगे, विल डू एग्जांपल्स टुडे, मुझे लगता है पर आप कर पाए होंगे इसको, नहीं कर पाए, नहीं कर पाए, तो आपने बेसिक से ट्राई किया था, जैसे मैं देख आपने अगर नोटिस किया होगा तो लास्ट टाइम जब इसको कर रहे थे तो दो तरीके से कर रहे थे, एक तो फॉर्मूला लगा के कर रहे थे और एक क्या कर रहे थे, बेसिक्स करते हैं, राइट, कि मतलब जस्ट टोटल लेंथ कितना है वो दो तरफ से मेजर कर रहे, एक बार ऊपर से एक बार नीचे से, और उसको इक्वेट कर रहे हैं, तो आपने सेकंड मेथड से ट्राई किया, बेसिक से ट्राई किया, नहीं क्यों, क्यों फॉर्मूला पे डिपेंडेंसी इतनी क्यों कर रहे, अच्छा आज वो आपको करके दिखाना पड़ेगा, आज अभी क्लास में जब हम करेंगे ना तब आपको वो दूसरे मेथड से ही करके दिखाना पड़ेगा, फिर से कैसे, ठीक है चलिए अभी नेगेटिव जीरो एरर को डिस्कस करते हैं, ठीक है, पॉजिटिव जीरो एरर में क्या होता था, जीरो ऑफ वर्नियर स्केल जीरो ऑफ मेन स्केल से अहेड होता था, राइट, अभी नेगेटिव जीरो एरर में क्या होगा, जीरो ऑफ वर्नियर स्केल आपके जीरो ऑफ मेन स्केल से थोड़ा सा पीछे होगा, इट विल बी अ लिटिल बिहाइंड, तो उसके एक एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ, आई विल जस्ट टेक अप एग्जांपल,
आई होप आपको स्क्रीन तो क्लियरली दिख रहा होगा, दिख रही है आपको स्क्रीन क्लियरली, दिख रही है ना सबको? आप देख पा रहे हो इसमें जीरो ऑफ वन ईयर स्केल, आप जीरो ऑफ मेन स्केल से क्या पीछे है, राइट? अगर मैं आपसे पूछूं इसमें जीरो एरर कितनी है तो कैसे मेजर करेंगे इसको, बताइए कैसे, आपको क्या लगता है कैसे मेजर करना चाहिए जीरो एरर को, कैसे मेजर करना चाहिए बताइए? पहले कोइंसिडेंट बताइए, कहां पे कोइंसिडेंट है, कौन सा डिवीजन कोइंसिडेंट है, मतलब वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन? फोर्थ 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 डिवीजन, सबको दिख रही है फोर्थ, वर्नियर स्केल का फोर्थ डिवीजन है और मेन स्केल का थर्ड डिवीजन है, राइट? आपको दिख रही है सभी को, राइट? यस सर। अब अगर इसका जीरो, अगर मुझे इसका सपोजली, अगर मान लेते हैं कि कोई हम यू नो रीडिंग ही ले रहे हैं, हम मान लेते हैं हम जीरो जीरो एरर नहीं फाइंड कर रहे हैं, हम रीडिंग ले रहे हैं, तो रीडिंग अगर आप लोगे तो कैसे लोगे, हाउ डू यू टेक रीडिंग? आप क्या करते हैं, मेन स्केल रीडिंग लेते हैं, उसके बाद फिर वर्नियर स्केल रीडिंग लेते हैं, और उसके बाद फिर वर्नियर स्केल रीडिंग को आप क्या करते हैं, लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करते हैं, राइट? दैट्स व्हाट यू डू। तो इमेजिन करो हम यही काम कर रहे हैं, वी आर टेकिंग रीडिंग, जस्ट ऐसे सोचो, वी आर नॉट मेजरिंग जीरो एरर, वी आर टेकिंग रीडिंग। आप बताओ उसको रीड कैसे करोगे, व्हाट वुड हैपन द रीडिंग? इसमें एक मेन स्केल रीडिंग होता ऑब्वियसली, राइट? मेन स्केल रीडिंग क्या होता है बताइए? माइनस वन, वेरी गुड। क्योंकि हम मेन स्केल रीडिंग हम कौन सा लेते थे, जीरो वन ईयर स्केल के जस्ट पहले वाला जो रीडिंग होता था वही तो होता था ना आपका मेन स्केल रीडिंग। तो अगर आप वो नोटिस करोगे तो जीरो के पहले तो कुछ है नहीं, तो वो बेसिकली क्या है, माइनस वन है, आपको ये इमेजिन करना पड़ेगा, राइट? तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप इमेजिन कर सकते हो कि यहाँ पे एक माइनस वन का डिविजन यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, मैं यहाँ पे एक लाइन जस्ट ड्रॉ कर लेता हूँ, दिस इज माइनस वन, ठीक है, दिस इज मेन स्केल रीडिंग लिख रहा हूँ, ठीक है, दिस इज मेन स्केल रीडिंग विच इज माइनस वन, ठीक है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, व्हाट यू सपोज टू डू नेक्स्ट, इसके बाद क्या करना है, अब आपको यही तो देखना है ना कि ये कितना अहेड है, राइट? तो अब यहाँ पे इसमें अगर हम इसकी मेजरमेंट करते तो ये वाला लेंस जो हम मेजर करते सपोज होती है, ठीक है, इस मैंने देखिए अगर मैं यहां से एक लाइन खींचता हूँ, अच्छा ठीक है, आप अब आप खुद ही बता पाओगे, मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी गाइस। अब बताइए यहाँ पे जीरो एरर को अगर आप लिखते तो क्या लिखते, बताइए आपको मेजरमेंट्स आपको ऑलरेडी पता है, ये आपका वीएसआर है ना, दिस डिवीजन इज योर वर्नियर स्केल रीडिंग, राइट? है ना, ये कितना है, फोर है, दिख रहा है आपको, दिस इज फोर। तो अब अगर आप मेजर्ड वैल्यू लोगे, व्हाट इज योर मेजर्ड वैल्यू, तो क्या लिखो, क्या Z की वैल्यू अगर हम लिखे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, व्हाट इज Z का वैल्यू? -0.03 क्यों होगा? ये Z हमको लिखना है अगर, तो मेन स्केल रीडिंग लिखेंगे एंड प्लस क्या लिखेंगे, वन ईयर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, ये तो लिखेंगे ना, यही तो है ना आपका, राइट? यस। मेन स्केल रीडिंग कितने का बताइए, मतलब कितने मेन स्केल रीडिंग, -1 mm का है, वन ईयर स्केल रीडिंग कितने का था, 4 लीस्ट काउंट कितने का था इसका, 0.01 सेंटीमीटर्स में, अगर मीटर्स में मिलीमीटर्स में लिख रहे हो तो 0.1 मिलीमीटर्स, राइट? इसका मतलब ये वैल्यू कितनी आ गई है, माइनस ऑफ 0.6 मिलीमीटर्स आ रही है, बट इट इसका मतलब मेन स्केल, मतलब जो जीरो एरर है वो कि बेसिकली कितना है आपका, नेगेटिव जीरो एरर है, ठीक है। अब इस स्केल को यूज करके, अच्छा एक काम करते हैं इसको, ये एरर को मैं एक और तरीके से आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। देखो बेसिक से भी आपको ये सारी चीजें समझ आनी चाहिए कि जो एरर आप फाइंड कर रहे हैं वो सेम चीज हर तरीके से आना चाहिए, अगर आप फॉर्मूला लगा के कर रहे हो तो जो आ रहा है, और बेसिक से करोगे तो भी वही आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि दोनों डिफरेंट आने चाहिए। लेट अस ट्राई टू डू दैट बाय बेसिक्स, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा ना आपको जूम करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या है, ताकि आप उसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करके देख सकें। ये वाले पार्ट को ना मैं जस्ट ज़ूम कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास मेन स्केल में
चार लाइंस है, मतलब तीन डिवीजन है, और वर्नियर स्केल में चार पांच लाइंस है, मतलब चार डिवीजन है। ठीक है, इसको अगर ऐसे करें, यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ये हमारी स्केल की लाइन एंड यहाँ पे जीरो का मार्क है, दिस इज जीरो ऑफ मेन स्केल, फिर एक दो, आई एम ट्राइंग टू बी एज मतलब इक्वी स्पेस्ड एज पॉसिबल, मतलब मेरे नेकेड आई से जो दिख रहा है मैं वैसा ड्रॉ कर रहा हूँ। सो दिस इज द थ्री डिविजन दैट वी आर टॉकिंग ऑफ एंड इसके ठीक नीचे में अब मेन स्केल का ड्रॉ करो। वन ईयर स्केल का ड्रॉ करो, वन ईयर स्केल का फोर्थ लाइन है। हाँ बोलिए, हाँ सुनते बच्चीज ना, सुनते बच्च आस्ते आवाज आ रही है, एक बार प्लीज फैन बंद कर देंगे, एक बार प्लीज फैन बंद कर देंगे, ऊपर वाला स्विच है, ऊपर वाला स्विच है, ठीक है, अभी देखिए आप ऑडिबल है या नहीं, अभी ऑडिबल है, ठीक है, जस्ट नॉक मी इफ माय वॉइस गोज डाउन, ठीक है, आई ट्राई टू वेल, ठीक है, यहाँ पे भी मार्किंग कर रहे हैं, सो दीज आर द मार्किंग्स, एक दो, थोड़ा सा ज्यादा स्पेस पे ड्रॉ करना पड़ेगा, एक एक दो तीन और ये चार, ऐसे ही था ना कुछ, राइट, सम लाइक दिस, देखो ऊपर चेक करो, दिस इज जीरो ऑफ वर्नियर स्केल, चेक करो ये, ठीक है, अब आपको तो ये फाइंड करना है ना हाउ मच इज दिस डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस कितनी है आपको ये फाइंड करनी है, करेक्ट है ना, ये डिस्टेंस फाइंड करनी है, कैसे फाइंड करेंगे देखो, आप देखो जीरो ऑफ, जहां पे जीरो ऑफ वर्नियर एंड जीरो ऑफ मेन स्केल कोइंसिडेंट है उसके पीछे चलिए, आपको याद है ये पीछे का कैलकुलेशन करना सिखाया था आपको, जीरो ऑफ वर्नियर स्केल एंड जीरो ऑफ मेन स्केल कोइंसिडेंट है, आप पीछे की तरफ चलो तो आप देखोगे कि वंस द वर्नियर स्केल आई मीन मेन स्केल क्रॉसेस द वर्नियर स्केल it goes ahead by one least count, right? Which is how much? 0.01 centimeters या फिर 0.1 mm, right? तो अगर आप देखोगे तो पीछे से चलो तो एक division देखो main scale का आगे बढ़ा, right? तो कितना ahead हो गया वो? 0.1. फिर दूसरी बार आगे बढ़ा तो कितना ahead हो गया? 0.2. फिर तीसरी बार आगे बढ़ा तो? 0.3. इसका मतलब ये वाली जो distance है, sorry, ये वाली जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज हाउ मच? 0.03 सेंटीमीटर, करेक्ट है? एनी राइट, ओके, व्हाट इज दिस डिस्टेंस आपको पता है? ये एक वन स्केल डिवीजन है ना, एक वन स्केल डिवीजन कितना था? 0.09 सेंटीमीटर, 0.9 mm, which is basically 0.09 centimeters, right? Right? अब इनका ये वाला separation आपको चाहिए था ना, देखो तो ये separation कितनी आएगी? 0.09 से आप 0.03 subtract करो, कितनी आ रही है? 0.09 minus of 0.03. 0.06. क्या आपने formula से यही calculate नहीं किया? किया ना आपने? Negative क्यों है? क्योंकि वो scale पीछे है इसलिए, right? तो आप ये basic से भी आप same चीज कर सकते थे। अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी पता है, देखो फॉर्मूला पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं रखना चाहिए आपको, फॉर्मूला पे डिपेंडेंसी वो रखते हैं जो किसी को समझते नहीं, कुछ भी नहीं समझते, बट अगर आपको बेसिक समझ आ रहा है तो आपको कंफ्यूजन का कोई सवाल ही नहीं है। आपको देखो रीडिंग बस इतना लेने के लिए बेसिक्स क्या चाहिए कि आपका स्केल कितना मूव कर रहा है, बस आपको ये मेजर करना आना चाहिए स्केल कितना मूव कर रहा है, बस इतना ही आपको लेना आना चाहिए, बाकी तो कुछ भी नहीं है। हाँ बोलिए बेटा, एक बार अगर पीछे की तरफ चलेंगे आप तो एक वर्नियर स्केल एक मेन स्केल के डिवीजन एक मेन स्केल का डिवीजन एक वर्नियर स्केल के डिवीजन से कितना ऐड हो जाता है? वन लीस्ट काउंट, और लीस्ट काउंट कितना है? 0.01 सेंटीमीटर है। अब देखो पीछे चलते जाओ, देखो कितनी बार आप मेन स्केल को क्रॉस मतलब मेन स्केल वर्नियर स्केल को क्रॉस कर रहा है डिवीजन में, तीन बार, तो कितनी बार कितना ऐड हो गया? थ्री टाइम्स ऑफ 0.01, राइट, वही किया हमने।
आई होप एवरीवन इज अंडरस्टूड दिस. ठीक है, समझ आ गई आपको? सर फाइनल पार्ट नहीं समझ आया, जो 0.09 वाला आपने कैलकुलेट किया है वो तो सेकंड लास्ट है, सेकंड लास्ट स्टेप है. 0.09 आपको नहीं पता कैसे आया सर? वो पार्ट नहीं समझ आया सर, वो वाला बता दीजिए. इस स्केल में आप आपके पास क्या दिया हुआ, देखो 10 वन ईयर स्केल डिवीजन इज कोइंसाइडिंग विद 9 मेन स्केल डिवीजन, सो हाउ मच इज 1 वन ईयर स्केल डिवीजन? 9/10 मेन स्केल डिवीजंस. एंड व्हाट इज 1 मेन स्केल डिवीजन ओवर हियर? 0.01 सेंटीमीटर. नो, इट्स 1 mm व्हिच इज 0.1 सेंटीमीटर्स. ओह यस सर. अरे ये है ना आपका, ये है ना एक, दिस इज व्हाट यस सर, दिस इज 1 मेन स्केल डिवीजन. आपको मिलीमीटर स्केल, इसको बोलते ही मिलीमीटर स्केल है ना. आपके पेंसिल बॉक्स में जो स्केल है उसका नाम क्या है, मिलीमीटर स्केल है, आपको पता है? यस सर. Why do you call it a millimeter scale? क्योंकि सबसे छोटा division जो आप measure कर सकते हो 1 millimeter है. So 1 millimeter है आपका 1 main scale division. So 1 vernier scale division कितना हुआ? 1/10 of 1/10 of basic, sorry, 9/10 of आपका 1 main scale division? Yes sir. Right? And 1 main scale division is 1 mm. So 0.9 mm हुआ ना? Yes sir. That is what we have done. देखो 0.9 mm लिखा है मैंने. 0.9 mm is basically 0.09 centimeters. Okay, sir. Understood? Yes, sir. ठीक है. चलो अभी हम ये इस स्केल को यूज करके what we'll do is we'll take a measurement. ठीक है? इस स्केल को यूज करके मतलब स्केल हमने यही वाला यूज किया. ठीक है, तो आप यही वाला जीरो एरर यूज करेंगे. ठीक है, आपको ये बताना है कि इसमें मेजरमेंट कितनी आएगी. चलिए बताइए, इसमें ए का वैल्यू आपको फाइंड करना है. यू सपोज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए. पीछे में जो लोग नहीं दिख रहे हैं आपको, आप आगे आ सकते हैं, आगे में बहुत जगह है. पीछे में अगर नहीं दिख रही है, आगे में जगह है. आइए आगे, आइए आगे, बहुत जगह है. और जूम करो. 2.57 आ रहे हैं. 2.57 आ रही है, देखते हैं. बेटा पुश कर जाइए एक बार प्लीज. रितु बतो बेटा, आप रितु बतो ना. हाँ, अंदर. और यहाँ पे भी आप थोड़ा अंदर आ जाइए. चित्रपाला बैग नीचे कर दो, आपको दिखेगा 100% दिखेगा. आपको नहीं दिखेगा तो आई टेक और रिफ्लेक्शन अभी दिख रहा है या नहीं दिख रहा आपको? आई एबल टू सी ना? पुश कर लीजिए बस. ठीक आप तो कैसे इतने दुबले पतले हो, आप गायब हो जाओगे. अरे सबको सबको रीडिंग लेनी आ रही है, चेक करो जल्दी से. हाँ जी बेटा, शिफ्ट कर जाइए थोड़ा, क्योंकि पीछे लोग बैठे हुए ना. आप शिफ्ट कर जाइए थोड़ा. जगह बन गया है, आना ही है. नहीं आना, आइए. चलिए जल्दी रीडिंग लेके बताइए कितने आ रही है. अब याद रखिए सर, इज इट 2.63? नो. 2.57? नो. आप लोग सभी फॉर्मूला लगा के कर रहे हैं ना? ठीक है, लगाइए फॉर्मूला, फिर एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए बेसिक से कि सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. आप ये वाले जो मैं फोटोज आपको भेज रहा हूँ यहाँ पे, मतलब जो मैं यहाँ पे पीडीएफ में चिपका रहा हूँ, आप इसको फोटोज एटलीस्ट प्रिंट आउट करके वहाँ पे चिपका दीजिएगा. ठीक है, क्योंकि आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, कैसे पता चलेगा इस क्वेश्चन का क्या डेटा था? नहीं, रिपीटेड नहीं बेटा. क्या होता है ना कि जैसे एक चैप्टर में जो जैसे फर्स्ट लेक्चर में जितना खत्म हुआ, सेकेंड चैप्टर में वो एड होता है, तो वो सेंड करते हैं एक साथ. ठीक है, बस वो चैप्टर खत्म होगा तो नया पीडीएफ स्टार्ट होगा. आप अगर चाहते हैं अलग अलग भेजना तो फिर मैं अलग ब्रेक करके भेज सकता हूँ, ऐसे अच्छा रहेगा. ठीक है, एक साथ आपका रहेगा सर.
सर रीडिंग क्या 2.63 सेंटीमीटर है? रीडिंग 2.63 सेंटीमीटर आ रही है आपकी? ठीक है देख, अच्छा अभी देख चेक करते हैं सर। 26.3 मिलीमीटर 26.3 मिलीमीटर आ रही है आपकी। आपने जीरो एरर सभी कंसीडर कर रहे हैं? ओके हां ठीक है चेक करते हैं। लेट्स से आप ये बताइए इसमें मेन स्केल रीडिंग कौन सी है हमारी? ये है राइट, दिस इज एमएसआर करेक्ट है ना? दिस मेन स्केल रीडिंग कितनी है ये? 2.5। और इसमें आपको मतलब नेगेटिव एरर भी आपको कंसीडर करके चलना है राइट। इसमें नेगेटिव एरर था, मतलब नेगेटिव एरर होने का मतलब क्या? देखो एक चीज, एक बार जस्ट मैं आपको एक चीज समझाया नहीं वहां पे, एक बार भूल गया मैं आपको समझाना। इसमें जब आप इस स्केल को स्लाइड करोगे, सोचो व्हेन यू आर स्लाइडिंग दिस स्केल, तो फिर थोड़ा सा अगर स्लाइड करते हैं जब जीरो ऑफ मेन स्केल एंड जीरो ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड कर जाता है, तो फिर ऑलरेडी जॉज के बीच में गैप आ जाएगा ना राइट। मतलब थोड़ा सा लेंथ ऑलरेडी वहां पे इंट्रोड्यूस हो चुका है, बट रीडिंग कितनी आ रही है? जीरो आ रही है। इसका मतलब ये एक्चुअल लेंथ से कम मेजर कर रहा है राइट, एक्चुअल लेंथ से कम मेजर कर रहा है। इसका मतलब ये जीरो एरर का जो मैग्नीट्यूड है विच इज 0.06, ये आपको लास्ट में क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा राइट। अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया था? मेन स्केल रीडिंग प्लस वन ईयर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट माइनस ऑफ जीरो एरर, और जीरो एरर यहां पे क्या था? नेगेटिव। तो नेगेटिव था, नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो गया। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस राइट। तो यहां पे वो ऐड ही करना पड़ेगा, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए ठीक है। सो विल डू दैट नाउ। सो ये हो गया आपके पास रीडिंग, अभी लिख रहे हैं या ए की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अच्छा रीडिंग कितनी लिखेंगे यहां पे? मेन स्केल रीडिंग है आपकी 25 divisions of main scale division and vernier scale में कौन सा coincide कर रहा है? 7 right? So इसमें अगर आप reading लिखोगे from formula लिखे ठीक है, formula से पहले कर ले तो reading A जो होगी that will be main scale है 25, so 25 mm हो गया plus 7 vernier scale divisions है। अच्छा मुझे लगता है ये मैंने गलत फॉर्मूला गलत, ओहो इसीलिए मैं सोचूं कि आंसर क्यों नहीं मैच कर रहा है। अगर आप नोटिस करोगे तो पिछले वाले ही मैंने चिपका दिया, दिख रहा है आपको? फिगर 4 एग्जांपल 2 लिखा हुआ है ना, दिख रहा है आपको? दोनों में देखो लेसन साइड, ओहो तभी मैं सोचूं आंसर आपको का सबका कैसे आया उल्टा है। अच्छा ठीक है मैं एक बार चेंज कर देता हूँ ठीक है, क्योंकि एकदम बिल्कुल सेम हो गया ना, बट ठीक है आपका वो उसके लिए जो आपने उसके लिए किया वो सही किया है। मैं सोच रहा था कि आप लोग का सबका क्यों गलत आ रहा है, मैंने ही गलत चिपकाया। सर 25.4 होगा। यस गुड, अगर 25.4 आ रहा है तो अच्छा है, सही है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड एस, वेरी गुड। एक सिंगल अटेम्प्ट में आना चाहिए, हिट एंड ट्रायल करके नहीं। अब जिनका भी 25.4 आ गया, वेरी गुड, अब एक बार अटेम्प्ट करके देखो बेसिक से, आर यू गेटिंग द सेम थिंग ऑन बेसिक से क्या? ठीक है अब फॉर्मूला से ट्राई करो, क्योंकि दोनों तरीके से आपको करना आना चाहिए तो आप कभी कंफ्यूज नहीं करेंगे, दोनों आता है आपको। 2.54 सेंटीमीटर गुड। गुड मेन स्केल रीडिंग कितनी है इसकी? 24 है, आई होप सबको दिख रही है राइट। और वन ईयर स्केल रीडिंग कितनी है? ये आपकी 8 ठीक है। अब लगाएं फॉर्मूला, सो फ्रॉम फॉर्मूला
फॉर्मूले से क्या आएगा देखें, विल गेट ए इज 24 mm प्लस 8 वर्नियर स्केल रीडिंग है. सो एक वर्नियर स्केल रीडिंग के लिए कितना एडवांसमेंट होता है, कितना 0.01. तो 8 वर्नियर स्केल डिवीजन के लिए कितना एडवांसमेंट होगा, 0.8 टाइम्स ऑफ 0.01, ये क्या हो गया सेंटीमीटर में, राइट राइट. फिर और जीरो आपको सब्ट्रैक्ट करना है, सो दिस विल बी माइनस ऑफ माइनस 0.06 सेंटीमीटर, करेक्ट है. तो ये हो गया आपके पास 2.48 एंड प्लस 0.06, सो विच इज बेसिकली 2.54 सेंटीमीटर. अगर आप देखोगे तो पिछली बार भी 2.54 आया था और वो आना ही चाहिए क्योंकि हम एक ही ब्लॉक को दोनों स्केल से मेजर कर रहे हैं. तो अगर एक ही ब्लॉक को मेजर करोगे तो लेंथ सेम मिलना चाहिए ना आपको. ऐसा तो नहीं है ना कि हम अलग अलग स्केल से मेजर करें और लेंथ अलग अलग आएगा. अगर ये आ रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट में गलती ना कर रहे हैं, समझ आ रही है, ठीक है. सो विद बोथ दी स्केल्स वी गॉट दी सेम रीडिंग. अभी बेसिक से ट्राई करें एक बार. इनिशियल पोजीशन ऑफ वर्नियर स्केल कहाँ था आपको याद है, कहाँ पे था, मेन स्केल के पीछे था ना, यू रिमेम्बर नॉट. यस सर. दिस वाज द इनिशियल पोजीशन ऑफ जीरो ऑफ वर्नियर स्केल, ठीक है. एंड आपने जीरो एरर ऑलरेडी फाइंड किया था, ये वाली डिस्टेंस हमने ऑलरेडी फाइंड कर ली थी. ये डिस्टेंस हमने कितना निकाला था, 0.06 सेंटीमीटर, करेक्ट, ठीक है. अब हमें क्या करना है, बस लेंथ मेजर करनी है. तो कोइंसिडेंट पॉइंट से हम मेजर करना स्टार्ट करते हैं. सो ये है हमारी कोइंसिडेंट पॉइंट, इसको थोड़ा सा लंबा खींच लेते हैं और यहां से लेंथ मार्क करना शुरू करते हैं, ठीक है. Is this the length of the object? क्योंकि जितना distance आपका jaws move करता है वही distance तो length of object होता है. तो initially jaw था zero of vernier scale का जहाँ पे, and वहां से आपने shift करके जहाँ पे भी लेके गए, right? तो ये distance ही आपको measure करना है a. और इसमें से आपने ये क्या add कर रखा है, ये क्या है, 8 वर्नियर स्केल डिविजन से, राइट. दिस इज 8 वर्नियर स्केल डिविजन, करेक्ट है, राइट. काउंट सही करो ना, 5, 6, 7, 8, हाँ ठीक है. और ऊपर से अगर आप देखोगे, अब ये मेजरमेंट्स करो ऊपर से यार, तो ये वाली टोटल लेंथ अगर मैं मेजर करूँ, इसमें कितने डिविजन आपके मेन स्केल के हैं, कितने, 32 डिविजन है. सो 32 वर्नियर स्केल डिविजन, सॉरी मेन स्केल डिविजन है, राइट. अब बस इक्वेट करो दोनों लेंथ को, ऊपर का जो लेंथ आपने मेजर किया है और जो नीचे का लेंथ मेजर किया उसको इक्वेट करो. ऊपर का लेंथ कितना है, 32 मेन स्केल डिविजंस, मतलब 32 टाइम्स ऑफ mm, 1 mm, राइट. तो वही सही लिखते हैं हम यहां. सो फ्रॉम बेसिक्स वी कैन राइट 32 मेन स्केल डिविजंस विल बी इक्वल टू, यहां पे आपके पास था a प्लस 8 वर्नियर स्केल डिविजंस. अच्छा एक चीज गलत कर दिया क्या मैंने, 32 मेन स्केल डिवीजन प्लस 0.06 है ना, आप तो सब में हाँ बोल रहे हो. मैं उस पिछली बार बोला 32 मेन स्केल डिवीजन, आपने हाँ बोला. अभी पूछ रहा हूँ 32 मेन स्केल डिवीजन प्लस 0.06 है, आप बोल रहे हाँ. पिछली बार भी हाँ, इस बार भी हाँ. 32 मेन स्केल डिवीजन प्लस 0.06 सेंटीमीटर, ठीक है. हाँ तो अब इक्वेट करना शुरू करते हैं. सो 32 मेन स्केल डिवीजन प्लस 0.06 प्लस 0.06 सेंटीमीटर, दैट विल बी इक्वल टू, अब नीचे से इक्वेट करेंगे. सो दिस विल बी ए प्लस 8 वर्नियर स्केल डिविजन्स. अब बस सॉल्व करना है इसको, ठीक है. सो थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, आपको दिख नहीं होगा शायद. तो अभी 32 मेन स्केल डिविजन हो गया, मतलब अच्छा ए की वैल्यू निकालनी है. सो 32 mm हो गई है,
32 mm को हम 3.2 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, 3.2 सेंटीमीटर लिख लेते हैं, एंड प्लस 0.06 सेंटीमीटर एंड माइनस ऑफ 8 वर्नियर स्केल डिवीजन मतलब 0.9 सेंटीमीटर. सो दिस बिकम्स 3.2. कुछ गलत कर दिया मैंने. सेंटीमीटर में. सो 8 9 72. सो दिस इज 3.26 माइनस ऑफ 0.72. ये पूरा का पूरा सेंटीमीटर में. देखो आपके पास 2.54 आ रही है. नहीं आ रही है. सो कैसे भी करो आपका आंसर मैच करना चाहिए. फॉर्मूला भी आपको सिखाया है, आपको बेसिक्स भी सिखाया है. आप देखो कहीं पे भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. अगर आप फॉर्मूला भूल भी जाएंगे तो बेसिक्स एकदम बिल्कुल क्लियर है. आपको बस दोनों तरफ से लेंथ को बस इक्वेट करना है, कुछ करना ही नहीं है. ठीक है, क्लियर है. अगर कभी भी आपसे वर्नियर स्केल में अगर पूछते हैं जीरो करेक्शन क्या है, सो जैसे एक चीज याद रखिएगा कि जीरो करेक्शन नेगेटिव ऑफ जीरो एरर होता है. जीरो एरर कौन तब पॉसिबल है, कब नेगेटिव, तो आपको पता है. अगर जीरो ऑफ मेन स्केल से जीरो ऑफ वर्नियर स्केल राइट की तरफ शिफ्टेड है, सो दैट्स अ पॉजिटिव जीरो एरर. मतलब जीरो करेक्शन वहां पे नेगेटिव है. जीरो करेक्शन क्या बोलते हैं, करेक्शन का कहने का मतलब क्या है कि आपको फाइनली क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है या ऐड करना है. अगर पॉजिटिव जीरो एरर होगा तो क्या करते हैं फाइनली, सो इसका मतलब जीरो करेक्शन आपका नेगेटिव. समझ आ रही है. अगर मैं बोल रहा हूँ नेगेटिव जीरो एरर है, इसका मतलब जीरो ऑफ मेन स्केल से पीछे है वर्नियर स्केल का, तो उस केस में आप फाइनली क्या करते हो, ऐड करते हो सब्ट्रैक्ट करते हो. ऐड तो उसमें बोलते हैं पॉजिटिव करेक्शन लगाना पड़ेगा. समझ आ रही है. सो अगर करेक्शन पूछते हैं तो नेगेटिव ऑफ जीरो एरर ले लेना. ठीक है, इसको जस्ट मेंशन कर लीजिएगा यार. मैं जस्ट एक नोट करके मेंशन कर दे रहा हूँ, आप भी लिख लीजिए. नोट जीरो करेक्शन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ जीरो एरर. बस इतना याद रखिएगा. इस स्केल का लीस्ट काउंट निकालिए, देखिए कितने हैं. फाइंड लीस्ट काउंट ऑफ दिस स्केल. फाइंड लीस्ट काउंट. अभी दिख रहा है. एक मेन स्केल डिवीजन आपका 1 mm है. ठीक है, 1 मेन स्केल डिवीजन इज 1 mm. अगेन लीस्ट काउंट का मतलब क्या था याद है आपको, सबसे छोटा डिस्टेंस जो मेजर कर सकते 0.02 सेंटीमीटर. गुड बेटा, और वो डिस्टेंस कौन सा था, मतलब अगर आप देखो तो जहां पे आप पहली बार स्लाइड करने के बाद वर्नियर स्केल का एक डिवीजन को मेन स्केल के एक डिवीजन के साथ आप क्या कर सकते हैं, कोइंसाइड करवा सकते हैं. जहां पे भी वो लोग कोइंसाइड कर जाएंगे वही डिस्टेंस बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, सबसे छोटा मेजर कर सकते हैं. वो तो क्लियरली आपको दिख रहा है 0.2 मिलीमीटर. गुड बेटा, ठीक है, लीस्ट काउंट निकालना है. 0.02 सेंटीमीटर है क्या? ठीक है बेटा, हो गया ना, अभी बोल तो दिया. अभी एक को जब जवाब दे रहा हूँ कि हाँ वो सही है तो कितनी बार पूछ. सुना नहीं सर उसका, मैं सुना नहीं. अच्छा ठीक है. सो यहाँ से अगर आप एक वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो कितनी आ रही है, 4/5 टाइम्स ऑफ मेन स्केल डिवीजन आ रही है, व्हिच इज बेसिकली 0.8 ऑफ मेन स्केल डिवीजन. एंड आपको पता है लीस्ट काउंट कितनी होती है, दिस इज 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस ऑफ 1 वर्नियर स्केल डिवीजन एंड दैट बिकम्स 0.2 टाइम्स ऑफ मेन स्केल डिवीजन एंड 1 मेन स्केल डिवीजन इज गिवन टू बी 1 mm. देखो यहां पे दिया हुआ है, इसका क्या हो जाएगा, 0.2 into 1 mm and that accordingly becomes 0.2 mm. मतलब 0.2 mm आप shortest distance से measure कर सकते हैं. Clear? चलो ये question को attempt करो, देखो इसका answer क्या रहा है. एक बार रीड आउट कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत छोटा है शायद. The diameter of a cylinder is measured using a vernier calipers. अब पूरा लिखने का जरूरत नहीं है, अभी जस्ट डेटा लिखो क्या क्या मैं बोल रहा हूँ. ठीक है,
the diameter of a cylinder is measured using a vernier calipers with no zero error. Zero error नहीं है, बोल दिया उसने, ठीक है? It is found that zero of the vernier scale lies between 5.10 centimeters and 5.15 centimeters of the mean scale. ये भी given है. जब आप किसी चीज को measure कर रहे हो, तब तक उसने data दे रखा है. Zero of vernier scale lies between 5.10 and 5.15 centimeters of mean scale. The vernier scale has 50 divisions, equivalent to 2.45 centimeters. 50 divisions equivalent to 2.45 centimeters. The 24th division of the vernier scale exactly coincides with one of the main scale division. अब diameter of cylinder पूछा है. तो 5.124 देखता हूं. गुड. सबसे पहले ये जो आपने वर्नियर स्केल पढ़ी थी अब तक, वो वाली वर्नियर स्केल तो नहीं है, है क्या? क्योंकि उस वर्नियर स्केल में आपका जो एक एक मेन स्केल डिवीजन होता था वो कितने का होता था? 1 mm का, राइट? यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो 5.10 के बाद 5.15 आ रही है और इसका मतलब 0.05. यहाँ से आपको ये पता चल रहा है कि एक एक इस डेटा से आपको ये पता चल रहा है ईच मेन स्केल डिवीजन is equivalent to 5.15 minus of 5.10. Sorry. And that becomes 0.05 centimeters. ठीक है? तो ये आपका एक एक main scale division है. ठीक है? अब least count find करते हैं. Vernier scale has 50 divisions equivalent to 2.45 centimeters. अब यहां से least count तो आप easily find कर सकते हैं. Least count कितनी आएगी? अच्छा नहीं, एक vernier scale division नहीं निकाल सकते हैं यहां से. One vernier scale division कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 2.45 by 50. Correct है? इसको आप 2 से ऊपर नीचे multiply कर दो. तो denominator में 100 हो गया और numerator में कितना हो गया? 0.45 हो गया. Correct? 49 हो गया. 4.9 हो गया. 4.9 divided by 100 हो गया. Correct है? है ना? 0.049. इसका मतलब 0.049 आपका centimeters में हो गया. And therefore, अब आप least count find कर सकते हैं. Least count कितनी होगी? 1 main scale division and minus of 1 vernier scale division. And ये आएगी आपके पास 0.05 minus of 0.049 and that becomes 0.001 centimeters. Correct है? Right? अब आपको क्या करना है? आपको reading लेनी है diameter की. So therefore, diameter अगर आप measure करोगे, तो अब क्या लिखोगे आप? एक तो main scale reading है. Main scale reading plus vernier scale reading into least count and minus of zero error. Zero error तो कुछ है नहीं यहाँ पे. Zero error कुछ है क्या? नहीं है ना? नहीं. ये वाली zero हो जाएगी, तो इसको कुछ करने की जरूरत नहीं. Main scale reading कितनी है बताइए यहाँ पे? 24 division, right? है ना? 24 है ना main scale reading? No sir, no. Main scale reading 5.10 है. कितनी है? 5.10 है. तो हाँ हाँ करने वाले थोड़ा ध्यान रखिए. So main scale reading है आपकी 5.10 centimeter. अब वर्नियर स्केल के लिए कितना कितना उसने क्या रखा है? 24th डिवीजन क्या रखा उसने? तो 24 एंड इनटू क्या करेंगे? लीस्ट काउंट करेंगे. लीस्ट काउंट कितनी आपकी? 0.001. सो दैट बिकम्स 5.124 सेंटीमीटर्स में. दैट इज द करेक्ट आंसर. क्लियर है? सर एक डाउट है. हाँ बोलिए बेटा. सर यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि जीरो. एक बार प्लीज अपना नाम बोल दीजिए ताकि मुझे पता चले किसी अपने टाइप का. सर रूपशा. हाँ बोलिए. सर यहाँ आपकी आवाज नहीं आ रही है.
आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलो ठीक है, दूसरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, वो बाद में डाउट पूछते हैं। ये अच्छी क्वेश्चन है, इसको ट्राई करिए, इसमें अटेम्प्ट करने में मजा आएगा आपको। मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ, ये पार्ट को थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। मैं क्वेश्चन को रीड कर देता हूँ, फिर ये वाले पे चले जाएंगे, ठीक है? इस बड़े वाले डायग्राम पे। There are two vernier calipers, both of which have 1 centimeter divided into 10 equal divisions on main scale. ठीक है, ये normally है। Normally आपको main scale में कितना दिखता है? 1 centimeter और उसमें 10 division दिखते हैं। तो ये वही कह रहे हैं। तो उसमें कुछ अलग अनोखा नहीं है। अब second line पे चले। The vernier scale of one of the calipers C1 has 10 divisions that correspond to 9 main scale divisions. मतलब ये normal वाला है जो हमने अब तक पढ़ा था, right? लास्ट क्लास में तो यही पढ़ा था, राइट? जिसका लीस्ट काउंट कितना था? 0.01 सेंटीमीटर्स में, राइट? तो ये उसी की बात कर रहा है। फिर उसके बाद क्या रखा है? द वर्नियर स्केल ऑफ द अदर कैलिपर हैज 10 इक्वल डिविजंस दैट करेस्पोंड टू 11 मेन स्केल डिविजन। इस बार उल्टा है। उल्टा है, समझ आ रहा है आपको? उल्टा कहने का मतलब क्या है? नॉर्मली क्या होता है, वर्नियर स्केल डिविजन ज्यादा होते हैं और मेन स्केल डिविजन क्या होता है, कम होता है। यहाँ पे क्या है, इसमें मेन स्केल डिविजन ज्यादा है क्योंकि 10 वर्नियर स्केल डिविजन के साथ आपका 11 मेन स्केल डिविजन कोइंसाइड कर रहा है। अब उन्होंने क्या रखा है, इन दोनों की रीडिंग क्या आएगी, रीडिंग आपको फाइंड करना है और ये मतलब ये डायग्राम दे रखा है, ठीक है? बस आप रीडिंग ले लो। पहले वाले स्केल का डेटा क्या था? इस स्केल का पहले बार मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको डेटा ही बस चाहिए। फर्स्ट वाले के लिए डेटा इज कि 10 वर्नियर स्केल डिविजन इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिविजन, ठीक है? और इसमें 1 मेन स्केल डिविजन इज 1 mm, इसमें भी 1 मेन स्केल डिविजन इज 1 mm और आपका 11 मेन स्केल डिविजन इज इक्वल टू 10 वर्नियर स्केल डिविजन। आप रीडिंग दो और फाइंड करो क्या होगा। जीरो एरर नहीं है, ये उसने क्या रखा है। अगर आपको कुछ पहले वाले तो बहुत आसान है, नॉर्मल फॉर्मूला लगा के ही हो जाएगा। दूसरे वाले में आप हो सकता है हेजिटेट करें, और अगर हेजिटेट कर रहे हैं तो बेसिक से कर लीजिए, आंसर अपने आप ही आ जाएगा। कुछ अच्छा लग रहा है, नहीं अटेम्प्ट नहीं करेंगे क्वेश्चन, है ना? चेयर देखेंगे अच्छा है कि नहीं, सर गिरेगा या नहीं, सर के गिरने की प्रॉब्लम हो रही है। मैंने भेज दिया एक मिनट। ठीक है, देखें ये 0.8 क्या है आपके डेटा में, आपने 0.8 क्या लिखा था अक्षर? अच्छा नहीं, आपने अक्षर आपने 0.8 क्या लिखा है, करके गायब हो गया लगा। ये देखता हूँ, दो रीडिंग निकालें तो दोनों स्केल की रीडिंग निकाल लें। यस सर, यस, एक बार आपने तो करके दिखाया था।
ठीक है सुजात, तो ठीक है ओके सर आप तो ठीक है। ठीक है चलो मैं करता हूँ। पहले वाला तो बहुत ही आसान है, पहले वाले की रीडिंग ले लेते पहले, दूसरे वाले पे अपने आप कर चले जाएंगे फिर। सो रीडिंग विल बी मेंस की रीडिंग कितनी है यहाँ पे, दिस इज मेंस की रीडिंग राइट, देखो चेक करो मेंस की रीडिंग यही है, कितनी है वो 2.8 राइट। सो ये है 28 मेंस की डिवीजन, आप कह सकते हैं 2.8 सेंटीमीटर, सॉरी क्या लिखा 2.8 सेंटीमीटर है, दिस इज मेन स्केल रीडिंग। ठीक है अभी वर्नियर स्केल डिवीजन कौन सी है, ये इससे कोइंसाइड करे राइट, दिस इज VSR करेक्ट है। सो रीडिंग कितनी लिखेंगे आप यहाँ पे, दिस विल बी 2.8 एंड प्लस ये तो VSR तो 7 ही है, सो दिस विल बी 7 टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट, एंड लीस्ट काउंट कितना है 0.01 राइट, सो दिस बिकम्स 2.87 सेंटीमीटर करेक्ट है। अब देखो सेकंड वाले के लिए लीस्ट काउंट एक बार फाइंड करने की कोशिश करते हैं, अगर आप नॉर्मली करेंगे तो कैसे करेंगे। मैंने आपको लीस्ट काउंट का मतलब क्या बताया था आपको याद है, कितना डिस्टेंस आप स्केल को मूव करा सकते हैं, कितना डिस्टेंस आप स्केल को मूव करा सकते हैं ताकि आपका एक वर्नियर स्केल और एक मेन स्केल अगर कोई इंसिडेंट नहीं है तो कोइंसाइड कर जाए राइट, वही डिस्टेंस आप फाइंड करते थे। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो देखो दे आर कोइंसिडेंट ओवर हियर राइट, ये कोइंसिडेंट लाइन है, देखो ये कोइंसिडेंस लाइन है, can you see everybody, this is the line of coincidence correct, aur yes, is line of coincidence se dekho ye hai main scale aur ye hai vernier scale, dekho jo apna bahut hi zyada overlapping hai, itne chote chote distance hai na, bahut hi mushkil se problem acha theek hai, yahan pe isko thoda zoom in karke alag se kar dete hain, is part ko main thoda sa जूम इन करके अलग से दिखा रहा हूँ, सिर्फ इस पार्ट को दिखा रहे हैं ठीक है। ये है आपका मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल, ये वाली लाइन आपकी वर्नियर मेन स्केल की है और इससे अहेड आपका वर्नियर स्केल है थोड़ा सा, ये रहा नॉर्मली तो ऐसा होता नहीं है, नॉर्मली कौन आगे निकलता है, कौन आगे निकलता है नॉर्मली मेन स्केल आगे निकलता है, बट यहाँ पे तो वर्नियर स्केल आगे निकलता है। नाउ हाउ मच इज इट अहेड, अगर आप ये देखोगे कितना अहेड है, ये कितना अहेड है, आपको ये चाहिए राइट, ये चाहिए ना आपको, यू नीड दिस डिस्टेंस कि ये एक बार मतलब एक बार अगर आप पीछे से मतलब कोइंसिडेंस पॉइंट से अगर आप पीछे चलना शुरू करते हो तो एक बार मेन स्केल या वर्नियर स्केल जो भी आगे पीछे है कितना डिस्टेंस वो आगे पीछे होगा, तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करो, यहाँ पे डेटा जो है ऑलरेडी उसको यूज करो। अगर आप देखोगे तो वन वर्नियर स्केल डिवीजन इज एक्चुअली 11/10 ऑफ मेन स्केल डिवीजन, इसका मतलब ये 1.1 mm है करेक्ट है, और मेन स्केल डिवीजन कितना है 1 mm का, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया 0.1 mm का, इसका मतलब दिस डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस हमने दिखा रखा ये है बेसिकली 0.1 mm का, आर यू अंडरस्टैंडिंग, 0.1 mm का वो सेपरेशन है बिटवीन मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल फ्रॉम व्हेन यू गो बैकवर्ड्स, मतलब पीछे की तरफ जब आप चल रहे हो तब के लिए।
अब ये सोच के देखो कि अगर इसको नॉर्मली अगर आप लीस्ट काउंट का फॉर्मूला लगाते हैं तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला आप कैसे कहते हैं नॉर्मली अगर लगाते हैं तो आप क्या करते थे 1 MSD माइनस ऑफ 1 VSD ऐसा कहते थे ना. बट अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ प्रॉब्लम ये है. प्रॉब्लम क्या है? ये तो नेगेटिव आ जा रहा है. तो इस तरह से नहीं करते आप इसको. दिस इज नॉट हाउ यू डू. आपके अगर ये नेगेटिव आ गया तो आप ऐसे तो नहीं कर सकते आप. तो अगर आप इस तरह से करते तो ये नेगेटिव आ जाता. नेगेटिव में बेसिकली वो 0.1 आता राइट है ना. नेगेटिव में 0.1 आने का है. नेगेटिव में 0.1 आने का मतलब है कि मतलब जब आप रीडिंग लोगे तो ये नेगेटिव एरर की तरह आ रहा है. आ रही बात समझ में आपको? ये नेगेटिव एरर की तरह है. तो अब आपको जब आप रीडिंग लेते हो तो रीडिंग लेने के बाद आप क्या करोगे? देखो यहाँ पे जो मेन स्केल रीडिंग होता था, मेन स्केल रीडिंग जनरली हम क्या कहते थे कि जो आपका जीरो ऑफ वन ईयर स्केल है उसके जस्ट पहले वाला जो मेन स्केल डिवीजन होता था उसको हम क्या करते थे? मेन स्केल रीडिंग लेते थे. बट ये कब लेते थे? ये कब लेते थे? जब पॉजिटिव यू नो लीस्ट काउंट था. बट यहाँ पे तो नेगेटिव लीस्ट काउंट है और इसलिए इसके बाद वाला आपको रीडिंग आपको मेन स्केल रीडिंग की तरह लेना पड़ेगा. अगर आप फॉर्मूला लगा रहे हो तो फिर आपको इसके आगे वाला रीडिंग लेना पड़ेगा. मेन स्केल रीडिंग मतलब यहाँ पे जो होगा आपका वो कितना है? यहाँ पे मेन स्केल रीडिंग 2.9 हो जाएगा. देखो यहाँ पे आपको ये वाला नहीं लेना, मतलब पीछे वाला नहीं लेना है. ये आपका मेन स्केल रीडिंग हो जाएगा. ठीक है, दिस विल बी योर मेन स्केल रीडिंग व्हिच इज बेसिकली 2.9 सेंटीमीटर. और वो पीछे आगे वाला क्यों लिया? क्योंकि नेगेटिव है. ठीक है, लीस्ट काउंट आपकी नेगेटिव आ रही है. मैं फॉर्मूला लगा के आपको दिखा रहा हूँ. ठीक है, फिर बेसिक से भी सिखाऊंगा. तो अभी अगर आप फॉर्मूला ही लगाते हो तो अब आपको रीडिंग लेना है तो रीडिंग क्या लिखेंगे आप इसके लिए बताइए मुझे. सो रीडिंग विल बी क्या लिखेंगे? मेन स्केल रीडिंग विच इज फॉर्मूला लगा रहे हैं. ठीक है, मेन स्केल रीडिंग एन प्लस वन ईयर स्केल रीडिंग लीस्ट काउंट. ठीक है, सो मेन स्केल रीडिंग आपकी 2.9 सेंटीमीटर एंड प्लस वन ईयर स्केल रीडिंग इज कितना है? 7. रीडिंग ऑफ एंड लीस्ट काउंट कितना है? माइनस ऑफ 0.1 mm एंड दैट गिव्स यू 2.83 सेंटीमीटर. दिख रही है आपको राइट? तो ये रीडिंग हो गया. अब मैं आपको इसको बेसिक से भी करके दिखाता हूँ. लेट्स ट्राई टू डू दिस बाय बेसिक्स. अगर हमको नहीं आता है ये फॉर्म, मतलब अगर हम इसमें दिमाग नहीं चल रहा है तो हम कैसे करेंगे? तो अब क्या करते हैं, जैसे अब फिर से पीछे से ही कैलकुलेशन करना शुरू करो. देखो तुमको बहुत ही आसानी से ये रीडिंग मिल जाएगा. पीछे से कैलकुलेशन करने का मतलब क्या है कि आप देखो कि कितने डिविजन आपके आप आगे चल रहे हो. जहां पॉइंट ऑफ कोइंसिडेंस है वहां से आप पीछे की तरफ चलते जाओ. तो पॉइंट पीछे की तरफ अगर हम चलते जाएं, एक एक करके मैं मार्किंग करता हूँ. देखो यहाँ पे आप डायग्राम फॉलो करो. ठीक है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कौन आगे निकल गया? अच्छा, ये शायद दिख नहीं रहा आपको, एक मिनट रुके. अभी दिख रहा है ब्लू कलर से मैंने हाईलाइट किया अभी. ठीक है, तो कौन आगे निकल गया? वर्नियर स्केल डिवीजन आगे निकल गया. कितने से? 0.1 से. फिर से एक और मार्क किया. अब कितना आगे निकल गया? 2 से. फिर से आगे निकल गया. कितना निकल गया? 0.3 राइट. फिर आगे निकल गया 0.4. फिर आगे निकल गया कितना? 0.5. फिर आगे निकले कितना? 0.6. फिर आगे निकल गया कितना? 0.7. इसका मतलब आपने इजीली कैलकुलेट कर लिया ये वाला डिस्टेंस कितना था. दिस वाज 7 टाइम्स ऑफ 0.1 व्हिच इज 0.7 mm. आपको बात समझ आएगी आपको बात? और आपका ये वाला जो सेपरेशन है, देखो यहां से लेके यहां तक का, इसको जूम करता हूं. ये देखो आपको चाहिए ये वाली डिस्टेंस, ये वाली और ये वाली, इनके बीच के सेपरेशन, ये वाली डिस्टेंस चाहिए आपको. समझ आ रही है आपको? यू नीड दिस डिस्टेंस. तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई? ये वाला डिस्टेंस कितना है? ये तो 1 mm है. दिस इज 1 mm राइट. एंड 1 mm में आप कितना सब्ट्रैक्ट करो? 0.7. तो ये डिस्टेंस कितना बचेगा? 1 mm माइनस ऑफ 0.7 mm and that gives you 0.3 mm. अब आपको पता चल रहा है ये, अगर आप इसको मेन स्केल रीडिंग की तरह ले रहे हो, इसको इस लाइन को मेन स्केल रीडिंग की तरह ले रहे हो तो कितना है? 2.8. एंड 2.8 में फिर क्या ऐड कर रहे हो? 0.03. तो कितना हो गया? 2.83 हो गया. दैट्स इट. अंडरस्टूड? ठीक है, क्या आपको सर मैं अपना लॉजिक एक्सप्लेन कर सकता हूं क्या? हां हां बताइए. मतलब सर देखिए 2.8 तो मैंने 0.8 एक्चुअली क्यों लिया सर, क्योंकि डिफरेंस जो है, मतलब अगर आप खाली मेन स्केल को पकड़ेंगे तो मैं डायग्राम भी बनाया हूं, तो सर वो 3.6 माइनस 2.8 एक्चुअली 0.8 होता है सर.
एंड फिर एक्स में पकड़ लिया इसके और इसके बीच में डिफरेंस, तो फिर वन ईयर स्केल एक डिवीजन जो है वो तो 0.11 है क्योंकि 11/10 ऑफ मेन स्केल डिवीजन, तो फिर उसके बाद सर 7 into क्योंकि सर 7 वन ईयर स्केल डिवीजन है तो उसका फिर डिफरेंस पकड़ने से हम लोग को वो गैप मिल जाएगा, और पहले से हम लोग को पता है कि 2.8 है, फिर वो गैप और 2.8 इक्वल टू रीडिंग प्लस 2.8 प्लस गैप इक्वल टू रीडिंग। तो तुमको पता है मैंने कुछ नहीं सुना। देखो जब हम इंटरेक्शन करते हैं तो ये टू वे इंटरेक्शन होना चाहिए ना, वन वे इंटरेक्शन का क्या मतलब है आप बताओ। तब मैंने इतनी बार पूछा कि ये 0.8 आपने 0.8 क्यों लिखा, 0.8 क्यों लिखा, आपने एक बार भी जवाब नहीं दिया, आपने एक बार भी जवाब नहीं दिया। तब आप पूछो क्लास में, आप रिकॉर्डिंग भी खुद ही सुन लेना, आपको पता चलेगा कितनी बार मैंने पूछा, एटलीस्ट 3-4 बार पूछा और तब आपने जवाब नहीं दिया, और अभी भी बोल रहे हो तो फिर एकदम बिल्कुल नॉन स्टॉप बोले जा रहे हो। अरे जब आप एक कुछ बोल रहे हो तो फिर मेरे कुछ डाउट्स होंगे तो उसमें तो आप रिस्पॉन्ड करोगे ना, ठीक है सर ये चीज मैंने इसलिए किया, या फिर सिर्फ बोल के मतलब शुरुआत करना है, जैसे सांस जब तक चलेगी तब तक एक बार बोल दिया देन खत्म हो गया, थोड़ा धीरे धीरे बोलने का है ठीक है, ताकि सब क्योंकि सभी को सुन रहे हैं, सभी को वो चीज को रिस्पॉन्ड भी करना है ना ठीक है, कि सभी को ये बात समझ आनी चाहिए जो आप बोल रहे हो। एक बार फिर से ट्राई करेंगे ठीक है, इस बार थोड़ा धीरे धीरे बोलेंगे ठीक है। हाँ ट्राई करिए फिर से। हाँ सर तो मैंने एक डायग्राम, पहली चीज है कि 0.8 आपने क्या लिखा हुआ है वहाँ पे, आपने जो लिखा था 0.8 आपने लिखा था वो 0.8 क्या था? हाँ सर वो जो डिफरेंस मतलब देखिए सर, अगर हम 2.8 जो है हम लोग जो मेन स्केल रीडिंग पकड़ रहे हैं नॉर्मल तरीके से पकड़े और फिर 3.6 के बीच में जो डिफरेंस है सर उसमें डिफरेंस जो है वो 0.8 है सर। एक बार फिर से मेन स्केल रीडिंग आपने 2.8 माना, फिर आपने क्या बोला सर? 3.6 माइनस 2.8 0.8 होता है सर। 3.6 माइनस, अच्छा मतलब वो मेन स्केल रीडिंग आप ले रहे हैं। हाँ सर मैं एक डायग्राम बना के लिया सर। अच्छा ठीक है, मतलब आपने ये वाले डिस्टेंस को मेजर किया, ये वाले डिस्टेंस आपने मेजर किया, ये वाली है ना? हाँ सर ये वाले डिस्टेंस आपने मेजर किया ठीक है, ये आपका 0.8 सेंटीमीटर है, गुड ठीक है। फिर उसके बाद सर जी 0.8 है सर वो 7 मेन वन ईयर स्केल डिवीजन के, मतलब अगर हम लोग देखें x छोड़ के, मतलब आई हैव टेकन द x टू बी द डिस्टेंस बिटवीन द द फर्स्ट वन बिफोर द वन ईयर स्केल डिवीजन सर, सो हम लोग उसको मतलब जो मैंने 0.3 की तरह दिखा रखा आपने उसको x लिया था यही तो? हाँ सर मैंने उसको x लिया सर। वेरी गुड ठीक है फिर। और फिर सर 7 वन ईयर स्केल डिवीजन इधर है सर, तो हम 7 टू 1 वन ईयर स्केल डिवीजन का गैप है 0.11। वेरी गुड, क्योंकि मतलब 0.11 11/10 ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन, बिल्कुल ठीक है। फिर उसको सर इक्वेट कर देने से क्योंकि 0.8 माइनस x इक्वल टू 7 इनटू VSD, उसके बाद x का वैल्यू आ जा रहा है 0.03 ठीक है, फिर मैं निकाल ले रहा हूँ, तो वो प्रॉब्लम है क्या उस तरीका में? नहीं ये तो पहला वाला जो मेथड मैंने मतलब जो अभी बताया था कि एक वर्नियर स्केल और एक मेन स्केल पीछे से जब आप चलते जाओगे तो 0.1 से अहेड होते जाओगे, आपने एक्जैक्टली वही चीज यूज किया है, बस वही चीज है इसको ही आपने थोड़ा सा लंबा करके किया, बट आपके मेथड में कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने बस लेंथ को इक्वेट किया, बेसिक से ही आप चल रहे थे, आपने 0.8 निकाला इधर से और वो 0.8 को आप नीचे से निकालने की कोशिश कर रहे हो, तो नीचे से निकालोगे तो आपको दिख रहा है 7 वन ईयर स्केल डिवीजन है, तो 7 इंटू 1.1 किया एंड उसके बाद फिर उसमें वो जो एक्स्ट्रा एडेड था वो आपको नहीं पता था उसको आपने एक्स मान लिया, सो एक्स प्लस 7 टाइम्स ऑफ 1.1 शुड बी इक्वल टू 8.8 आना चाहिए, यही तो किया आपने राइट? ओके सर थैंक यू सर, आई एम सॉरी फॉर द लास्ट टाइम सर बिकॉज आई वाज अ बिट स्केयर्ड अबाउट माय मेथड, सो दैट इज व्हाई आई वाज लाइक आपको सुनाई दे रहा था, फिर आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइम से ऐसे नहीं करिएगा ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आई होप हाँ अभी मुझे लगता है शायद आप पिछली बार इससे कुछ पूछ रहे थे बट आप डिस्कनेक्ट हो गए थे। रुक्षा सर, यस सर आवाज आ रही है अब? हाँ सुनाई तो अभी फिलहाल तो सुनाई दे रही है, बताइए क्या पूछ रहे थे इसका? यस सर, सर इस पिछले वाले क्वेश्चन में लिखा था कि जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 5.1 एंड 5.15 ऑफ द मेन स्केल, तो सर स्केल रीडिंग को 5.10 क्यों ले रहे थे? अच्छा ओ सॉरी खुद समझ गया खुद समझ गया ना पक्का? यस सर। ये देखो ये 5.10 है, ये 5.15 है और वो कह रहे हैं वन ईयर स्केल यहाँ पे है, दिस इज जीरो ऑफ वन ईयर स्केल, तो अब आपका मेन स्केल रीडिंग कौन सा हुआ? ये तो मेन स्केल रीडिंग हुआ ना? यस सर। यस ठीक है
चलो ठीक है, एक रीडिंग आप लेके दिखाओ, आपको ये बेसिकली आपका स्केल है, ठीक है, ये वर्नियर स्केल है जिससे आपको रीडिंग लेनी है, ठीक है। अभी आपको दिख रही है कितने की जीरो एरर है, पहले जीरो एरर निकाल लो, पॉजिटिव है नेगेटिव है देख लो, पॉजिटिव है सबको दिख रही है, एवरीबॉडी कैन सी इट्स अ पॉजिटिव जीरो एरर, कितने का एरर है, कौन सा पॉइंट ऑफ कोइंसिडेंस है ढूंढो, फोर्थ राइट, 0.4 मिलीमीटर, ठीक है, तो ये जीरो एरर हो गया, करेक्ट। अब हम क्या कर रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे फिट करेंगे, ठीक है, मैंने इसको स्लाइड किया, ये ऑब्जेक्ट को यहाँ पे फिट किया और ये डाल दिया, अब ये रीडिंग ले रहा है, अब बताइए कितनी होगी, आपको फाइनल लेंथ बतानी है, देखा जाए ना, মানে এক কোনো কালারের প্রবলেম হচ্ছে, আচ্ছা আচ্ছা, ইন জেনারেলি অসুবিধা হচ্ছে মানে ফন্টের জন্য, ছোট না লাইটের জন্য, আচ্ছা তুই একটু আগে বসবি, হ্যাঁ চলে একটু চেয়ার নিয়ে বসে যা একটু আগে, চলে বাকি লোক আপনার অ্যাটেম্প করি না, তুমি কে করনা আছে তোমারই আগে, তুমি কে করবে, बैग छोड़ के भी आओगे तो कुछ होगा नहीं, जल्दी भागो जल्दी भागो, बोलिए 1.6 सबने अटेम्प्ट कर लिया, मैं करके दिखाऊंगी, अच्छा अच्छा आप आंसर एक बार चेक कर लेते, कितना बोला आपने, 1.41 सेंटीमीटर, यस राइट, ठीक है। अभी इसमें आप दूसरे मतलब ये बार बार ही कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट मेजरमेंट्स के लिए, मैं इसको एक बार जस्ट यहाँ पे रख देता हूँ ताकि आपके लिए रह जाएगा असाइनमेंट्स की तरह, टू डेटा दैट वर गिवन, इसमें पहले तो जीरो एरर मार्क करना पड़ेगा, हमें जीरो एरर कितने हैं यहाँ पे, पॉजिटिव है ना, जीरो एरर इज पॉजिटिव, सो दिस इज प्लस, कितनी है, 0.4 मतलब फोर बेसिकली है, फोर टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट कर रहे हैं ना, सो दैट इज 0.4 मिलीमीटर। आप जब भी बोलते हो ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू बोलते हो, हमेशा यूनिट्स के साथ बोला करो, जैसे आप 0.4 बोल रहे हो, कोई 0.04 बोल रहा है, तो दोनों तो सही नहीं हो सकते, हो सकते हैं अगर दोनों यूनिट्स बोल दें, ठीक है, तो हमेशा यूनिट्स बोला करो। आप अपनी कॉपी में तो लिख रहे हो ठीक है, बट ये सारे ना इमेजेस को प्रिंट करवा के फिर वहां पे चिपका के रखना, क्योंकि इतनी सारी चीजें आप बना नहीं पाओगे। अभी यहाँ पे रीडिंग ले, सो दिस इस लेंथ को हम एल मार्क कर लेते हैं, सो वी आर सपोज टू फाइंड आउट एल, सो दिस एल विल बी मेन स्केल रीडिंग है कितनी, दिस इज MSR, सो दिस इज 14 मिलीमीटर, गुड। फिर प्लस अभी वर्नियर स्केल रीडिंग कौन सी आएगी, 5 एग्जैक्ट कोइंसिडेंस है, गुड, सो दिस इज VSR, आप तो मेरे से भी अच्छा लेना सीख गए हो, सो दिस इज 5 टाइम्स ऑफ, वेरी गुड, 5 टाइम्स ऑफ 0.1 mm, एंड फिर आपका जीरो एरर सबट्रैक्ट करना है, ऐड करना, subtract minus 0.4 mm, and that becomes 1.41 centimeter.
करेक्ट। तो एटलीस्ट वर्नियर स्केल का रीडिंग तो सबको लेना आ गया है ना। अभी हम दूसरे स्केल पे चलते हैं, ठीक है, मतलब वर्नियर स्केल अब खत्म, अब स्क्रू गेज पे चलते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये बेसिकली आपका स्क्रू गेज का डायग्राम है। इसमें वर्किंग प्रिंसिपल क्या है पहले आपको वो बताता हूँ, ठीक है, फिर सब ध्यान से सुनो। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, हमारे पास क्या होगा कि जैसे एक मतलब इसमें आप देखो जैसे यू शेप के फ्रेम में आपको दिखेगा एक एनविल मार्क है और एक स्पिंडल मार्क है, दिख रहा है आपको एनविल और स्पिंडल। इनिशियली वो लोग दोनों क्या होते हैं, चिपके होते हैं। जब मतलब कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट को आपने मेजर नहीं किया है तब वो दोनों बिल्कुल ऐसे चिपका हुआ होगा, ठीक है। और जो रैचेट आपको दिख रहा है जिसमें रैचेट मार्क कर रहा था पीछे में, उसको पकड़ के आप क्या कर सकते हो, घुमा सकते हो, यू कैन बेसिकली टर्न इट। उसमें घुमाने का दो तरीका होगा, या तो आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे या फिर आप क्लॉकवाइज घुमाओगे। ये राइट हैंडेड यू नो स्क्रूज होते हैं। इसमें राइट हैंडेड स्क्रूज कहने का मतलब क्या होता है कि जैसे नॉर्मली आप सोचो कि जब आपको स्क्रू को टाइटन करना होता है या खोलना होता है तो आप कैसे घुमाते हो, या अपने टैप को ही देखो कि आप कैसे खोलते हो या कैसे लगाते हो। तो जब हम स्क्रू को क्या करते हैं, जैसे आप स्क्रू को जब आप यू नो घुमाओगे, स्क्रू को घुमाओगे, तो जब आपको उसको टाइटन करना होता है तो आप क्या करते हो, उसको क्लॉकवाइज घुमाते हो। क्लॉकवाइज घुमाते हो तो वो क्या होता है, अंदर की तरफ जाता है। मतलब जब आप उसको घुमाओगे तो वो बेसिकली अंदर की तरफ पेनिट्रेट करता है, समझ आ रही है। और जब आप उसको अनस्क्रू करते हो, मतलब कि उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो, तब वो क्या होता है, बाहर की तरफ निकलता है। आपको बात समझ आ रही है। तो इसमें भी जब हम ये रैचेट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो ये जो है, ये मतलब जिसको स्पिंडल मार्क कर रखा उसने, वो बेसिकली आपका रैचेट के साथ कनेक्टेड है। तो रैचेट जब घूमेगा तो वो क्या होगा, वो बेसिकली पीछे की तरफ आता जाएगा, समझ आ रही है। रैचेट को अगर हमने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो पीछे की तरफ आएगा। नॉर्मली सोचो एक नट है, नट को आप एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो मतलब खोल रहे हो, और जब आप क्लॉकवाइज घुमाओगे तो क्या होगा, अंदर की तरफ जाएगा। अंडरस्टैंडिंग। नट्स में थ्रेडिंग होती है। थ्रेडिंग कहने का मतलब क्या है कि नट्स में आप देखोगे तो जहां पे ऐसे ऐसे गोल 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 घुमा होता है उसको थ्रेडिंग बोलते हैं। वो थ्रेडिंग्स में दो सक्सेसिव थ्रेड्स के बीच का जो सेपरेशन होता है उसको हम पिच कहते हैं। दो सक्सेसिव थ्रेड्स के बीच की जो सेपरेशन है वो यहाँ पे नहीं दिखेगी आपको, यू वॉन्ट सी दिस। मैं जो बोल रहा हूँ, जब बोलूँ उसे देखने के लिए तभी देखना। दो सक्सेसिव थ्रेडिंग के बीच का जो स्पेसिंग होता है उसको पिच बोला जाता है। मतलब उसको ऐसे देख सकते हैं आप, जैसे इमेजिन करो कि माइक्रोफोन प्लीज ऑफ करके रखिए, जिसका भी माइक्रोफोन ऑन है। देखो आपको बात समझ आ रही है क्या क्या कह रहा हूँ। ये थ्रेडिंग होती है ना ऐसे, तो ये जो थ्रेडिंग है इसमें दो सक्सेसिव टर्न्स के बीच की जो सेपरेशन होती है, दो सक्सेसिव टर्न्स के बीच की सेपरेशन, इसको हम पिच कहते हैं उसका। और ये पिच फिक्स होता है, दिस पिच हैज टू बी फिक्स्ड, इसको पिच कहते हैं, इसको पी लिखा है, दिस इज पिच, ठीक है। पिच इज अ फिक्स्ड क्वांटिटी। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस ये है जब आप रैचेट को एक कंप्लीट टर्न पर बोलिए सर, ये वाला थोड़ा फिर से रिपीट कर सकते हैं। तो इसमें मैंने कभी कुछ बोला नहीं, क्या रिपीट करना है बताइए इसमें। सर ये स्क्रू गॉज वाला ही टोटल टोटल नहीं सर, मतलब थोड़ा मुझे सुनाई नहीं दिया सर, इसे उस लिए सर मैंने अभी कुछ काम का चीज बोला नहीं है बेसिकली। और ये सर ये पिच क्या बोल रहे हैं सर, ये पिच वाला, ठीक है। सो बेसिकली आपकी थ्रेडिंग होगी और वो थ्रेडिंग में जो दो सक्सेसिव टर्न्स के बीच की जो सेपरेशन होती है उसको बेसिकली हम पिच कहते हैं। पिच का सिग्निफिकेंस क्या है वो जानिए। जैसे जब आपके पास ये जो रैचेट है आपके हाथ में, उस रैचेट को जब आप घुमाओगे तो एक कंप्लीट टर्न मतलब 360 डिग्री जब आप घूमते हैं तो रैचेट कितना डिस्टेंस लीनियर डिस्टेंस पे मूव करता है, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज पिच। समझ आ रही है आपको। यस सर। रोटेशन करते हो एक कंप्लीट रोटेशन तो उसमें वो कितना डिस्टेंस बाहर निकल रहा है, दैट इज कॉल्ड एज द पिच ऑफ द स्केल, ठीक है। वो ऑब्वियसली आपको मेन स्केल में आपको मार्क करके दिखा देंगे। मतलब जब आप मार्किंग, जैसे यहाँ पे अगर नोटिस करोगे तो देखो डायग्राम, देखो डायग्राम में अगर चेक करोगे तो मेन स्केल में मार्किंग की हुई है, दिख रही है, जीरो फिर फाइव दिख रही है, वो बेसिकली मेन स्केल के डिविजन्स है। तो जब आप रैचेट को घुमाओगे तो फिर वहां पे वो कितना डिस्टेंस शिफ्ट होता जा रहा है वो आपका यहाँ से सर्कुलर स्केल का जो एंड है उससे दिख जाएगा। सर्कुलर स्केल का एंड कहने का मतलब क्या है, ये वाली जो एंड है ना, ये वाली, ये बेसिकली स्लाइड करके इधर जा सकती है, इधर भी जा सकती है और ऑब्वियसली इधर भी जा सकती है, इधर दोनों तरफ जा सकती है। तो जब वो मूव करता है तो कितना डिस्टेंस वो शिफ्ट कर रहा है वो आपको दिख जाएगा, क्योंकि वो रैचेट वो इस पूरे के पूरे फ्रेम से, थिंबल जो दिखा रहा था उसने, उसके साथ अटैच किया बेसिकली।
तो जब वो रैचेट को आप घुमाते हो तो पूरा का पूरा ये जो थिम्बल है वो पूरा का पूरा पीछे जाता है और उसके साथ अटैच है सर्कुलर स्केल, तो सर्कुलर स्केल भी ऑब्वियसली पीछे जाएगा। अब सर्कुलर स्केल की सोचो, ये सर्कुलर स्केल की के ऊपर मैंने ये जो वर्टिकल लाइन मार्क की है, वर्टिकल लाइन जो मार्क की है ब्लू कलर वाली, तो वो जितना डिस्टेंस आगे मूव कर रही है तो आप क्लियरली देख सकते हैं ना, क्योंकि मेन स्केल डिवीजन में तो मार्किंग की हुई है। अगर इमेजिन करो कि आपका पहले, इमेजिन करो कि आपका पहले मेन स्केल जो है यहाँ पे था, ठीक है, मेन स्केल का मतलब जो ये वाली जो लाइन है, मतलब बेसिकली सर्कुलर स्केल की जो लाइन है ये वाली पहले यहाँ पे थी और आपने जब एक कंप्लीट टर्न किया तो इमेजिन करो ये यहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई एक कंप्लीट टर्न में, तो मेन स्केल डिवीजन में वो कितना डिस्टेंस आगे मूव कर गया, दो डिवीजन। इसका मतलब पिच कितना था आपका, 2 mm का, समझ आ रही है। अगर एक दो सक्सेसिव डिवीजन के बीच का सेपरेशन आपका 1 mm है तो 2 mm आगे मूव कर गया वो, तो पिच कितना हो गया आपका, 2 mm हो गया। डिड यू अंडरस्टैंड? ठीक है, अब इसमें इसमें अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो मार्किंग की हुई है, दिख रहे हैं आपको, यहाँ चेक करो मार्किंग की हुई है, कैन यू सी 70, 75, 80 ऐसे मार्किंग की हुई है। इसमें आप इसको हम सर्कुलर डिविजन कहते हैं, सर्कुलर डिविजन। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, जैसे अगर इमेजिन करो कि ये तो आपके मैन्युफैक्चरर को पता होगा, मतलब या आप जब खरीदोगे तो आप अपना डिमांड बताते हो दुकानदार को, तो वो उसके अकॉर्डिंग आपको देता है। तो जैसे इसमें 80 है, इसका मतलब बेसिकली इसमें क्या है ना, इसमें 100 डिविजन है टोटल सर्कुलर डिविजन। इसका मतलब ये जो थिम्बल के साथ जो अटैच ये सर्कुलर स्केल है, ये वाला शार्प जैसा पॉइंट जो दिख रहा है, इसके यहाँ पे पेरिफेरी पे यहाँ पे क्या होंगे, टोटल 100 डिविजन मार्क होंगे, मतलब जीरो से स्टार्ट करके टोटल 100 डिविजन होंगे यहाँ से। अब इसका मतलब है कि जब मैं इसको एक पूरा का पूरा टर्न घुमाता हूँ, एक पूरा का पूरा टर्न घुमाता हूँ, तो एक्चुअली मैंने 100 डिविजन घुमाए, राइट। सर्कुलर स्केल में अगर देखोगे तो 100 डिविजन घुमाए इसको, और ये 100 डिविजन घूमने पे लीनियर स्केल में कितना मूवमेंट हुआ है, 2 mm अगर होता, मतलब मैंने जो इसमें दिखाया था, जो भी होता, अगर पिच जो भी होता, इमेजिन करो पिच आपका पी है, तो पिच डिवाइडेड बाय अगर नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन करते हैं तो उसे क्या मिलेगा आपको, यू विल गेट द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस दैट यू कैन मेजर, क्योंकि एक सर्कुलर टर्न में पिच डिस्टेंस मूव किए थे और उस सर्कुलर की उसमें पिच को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किए, 100 पार्ट्स में डिवाइड किए, जो कि आपका सर्कुलर डिविजन है, तो एक डिविजन का अमाउंट कितना हो गया, पिच बाय 100 हो गया। आई अंडरस्टैंडिंग? तो इससे आपको लीस्ट काउंट मिल जाता है, मतलब स्क्रू गेज का अगर आपको लीस्ट काउंट फाइंड करना है, इफ यू आर सपोज टू फाइंड द लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज, तो आपको क्या करना पड़ेगा, व्हाट यू आर सपोज टू क्या करना है, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन कर लेंगे। आपको बात समझ आई है, आई होप एवरीवन इज अंडरस्टूड दिस, ठीक है। उसके बाद आता है कि हाँ ठीक है, आप रीडिंग कैसे ले रहे हैं, हाउ डू यू टेक द रीडिंग। तो इसमें भी क्या होता है, एक मेन स्केल रीडिंग होगा और एक आपका सर्कुलर स्केल रीडिंग होगा, ठीक है। इसमें भी जीरो एरर हो सकती है, जीरो एरर कब होगी और कब नहीं होगी, अगर इमेजिन करो जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल, इस सर्कुलर स्केल में ऑब्वियसली एक जगह जीरो मार्क होगा। अच्छा मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़ को, एनिमेशन के थ्रू दिखाता हूँ, देखो इधर, कैन यू सी, अब देखो मैं इसको एक बार घुमाता हूं, ये देखो अब दिख रहा है आपको जीरो ऑफ मेन स्केल, दिख रहा है आपको, दिख रहा है जीरो ऑफ मेन स्केल, देखो मेन स्केल डिविजन दिख रहे हैं सारे। अभी देखो ये अच्छा, इस मूवमेंट का रोटेशन का डायरेक्शन भी ऑब्जर्व करो और देखना कि वो किधर जा रहा है, ठीक है, रैचेट जो रैचेट है वो किधर जा रहा है उसको ऑब्जर्व करना, ठीक है। मैं भी इसको रोटेट कर रहा हूँ, आप नोटिस करो ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है, अगेन ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कौन ऑब्जर्वर है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। जैसे मैं आपको एक सिंपल सी एक्सपेरिमेंट बताता हूँ, मैं भी किधर घुमा रहा हूँ, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तुम्हारे लिए एंटी क्लॉकवाइज, मेरे लिए क्लॉकवाइज, समझ आ रही है, आप खुद ही सोच के देखो ना, आप इधर आ जाओ तो आपको समझ आ जाएगा, आ रही बात समझ में आपको, ठीक है। तो ये जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है ये हमेशा ऑब्जर्वर स्पेसिफिक होता है, ठीक है। तो मैं जब बोल रहा हूँ कि बताओ इसको किस तरफ घुमाया मैंने, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो आपको वहां पे ये सोचना है कि आप घुमा रहे हो इसको, समझ आ रही है, अब तो कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, तो आप घुमा रहे हो तो ऐसे घुमा रहे हो, राइट, या ऐसे घुमा रहे हो, तो इसके अकॉर्डिंग तो नाम दोगे ना, अगर ऐसे घुमा रहे हो तो आप बोलोगे क्लॉकवाइज है, अगर आप ऐसे घुमाओगे तो बोलोगे एंटी क्लॉकवाइज है, राइट। आप ये नहीं बोलोगे सर इधर से देखूंगा तो अलग दिखेगा, इधर से देखूंगा तो अलग दिखेगा, ऐसे नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो आप अपने सेंस पे ही बात करिए कि आपको घड़ी कैसे घूमता हुआ दिखता है, उसके रिस्पेक्ट में ही बात करेंगे, ठीक है। सो अभी अगर मैं बोलूं इसको ये किधर घुमा रहा हूँ मैं, एंटी क्लॉकवाइज, और ये स्केल किधर मूव कर रहा है, राइट, दिख रही है आपको, समझ रही, मेन स्केल में हम राइट की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब बाहर की तरफ निकल रहे हैं, मतलब जब मुझे इसमें इस किसी चीज को इंसर्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, आ रही बात समझ में, एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से मेन स्केल आपका पीछे की तरफ, मेन स्केल मतलब आप ऑब्जेक्ट्स को इंसर्ट कर पाओगे उसके बीच में, ठीक है। और क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ऑब्वियसली आपका वो क्या होगा, टाइट होगा, जैसे आपने जरूरत से ज्यादा स्पेस क्रिएट कर दिया ऑब्जेक्ट को घुमाने के लिए, तो ऑब्वियसली आप उसको क्या करना पड़ेगा, आपको टाइट करके वहाँ पे बिठाना भी तो पड़ेगा, राइट।
So that is what you'll do. जब आपका जीरो ऑफ मेन स्केल एंड जीरो ऑफ वन ईयर स्केल कोइंसाइड करता है तब आपका कोई जीरो एरर नहीं होगा. ये ऑब्वियसली ये तो पहली बार भी आपने सीखा था, अभी वही है. आप नोटिस करो, एक बार चेक करो, ये देखो आपको दिख रहा है जीरो ऑफ मेन स्केल इज जस्ट बेयरली विजिबल. जस्ट बेयरली विजिबल दिख रही है आपको, है ना? जस्ट बेयरली विजिबल, जस्ट बेयरली विजिबल है वो, क्योंकि जीरो का मार्किंग तो आपको दिख ही रहा है. जीरो का एक छोटा सा एक कर्व दिख रहा है आपको, राइट? इसका मतलब है कि वहां पे जस्ट ओवरलैपिंग वाला कंडीशन में है. जस्ट ओवरलैपिंग वाला कंडीशन में आप ओवरलैप कर रहा है या नहीं कर रहा है कैसे पता चलता है? आपको ये वाली जो जीरो की हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, और मेन स्केल पे देखो एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिख रहा है, देखो वो दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, दिख रही है आपको? इसका मतलब ये जीरो एरर नहीं है आपका. और मतलब यहाँ पे जीरो, यहाँ पे एक जीरो लिखा हुआ भी आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है आपको मेन स्केल पे? वो जस्ट जस्ट थोड़ा सा विजिबल है, बेयरली विजिबल है. इसका मतलब आपका जीरो एरर नहीं है इस केस में. अगर मैं जीरो एरर इंट्रोड्यूस करूँ तो कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं यहाँ पे? जैसे मैंने इमेजिन करूँ यहाँ पे मैंने यहाँ पे फाइव डिविजन का जीरो एरर इंट्रोड्यूस किया है. फाइव लिखा मतलब प्लस फाइव लिखा है. तुम अगर नोटिस करोगे आप, एक अगर आप एक चीज नोटिस करोगे यहाँ पे तो देखो यहाँ पे जो जीरो है, जीरो सब प्लस स्केल, वो मेन स्केल के देखो नीचे जा चुका है, देखा आपको, देख लिया आपको? और जो नंबर ऑफ डिविजन मेन स्केल का देखो, सॉरी सर्कुलर स्केल का डिविजन देखो कौन सा आपका जीरो ऑफ मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है, देखो चेक करो. मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन पे फाइव है, राइट? इसीलिए आप यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आपका स्क्रू जो है बेसिकली फाइव डिविजन पहले से ही रोटेटेड है, पहले से ही रोटेटेड है, राइट? तो जब आप किसी चीज को मेजर करोगे तो ऑलरेडी उसने तो एक नॉन जीरो रीडिंग आपको दे दिया है, राइट? नॉन जीरो रीडिंग दे दिया है, तो इसका मतलब ये वाला रीडिंग आपको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस रीडिंग, क्योंकि ऑलरेडी एक नॉन जीरो रीडिंग दे रहा है जब आपने कोई ऑब्जेक्ट को इंसर्ट भी नहीं किया है. आई यू अंडरस्टैंडिंग? ठीक है. अगर ये चीज उल्टा होता, अगर उल्टा होता मतलब यहाँ पे अगर माइनस, जैसे अगर मान लेते हैं यहाँ पे माइनस डाल देते हैं, नेगेटिव एरर डाल देते हैं यहाँ पे. अब देखो माइनस फाइव लिखा है मेन स्केल रीडिंग का, सॉरी सर्कुलर स्केल में देखो रीडिंग कितनी आ रही है, रीडिंग देखो कितनी आ रही है, 45. बट 45 आपका मतलब जो जीरो एरर है वो 45 डिविजन का नहीं है. कितने डिविजन का है? फाइव डिविजन का है. क्योंकि अगर देखोगे तो ये हॉरिजॉन्टल वाला जो मेन स्केल का लाइन है उससे देखो सर्कुलर स्केल कितना ऊपर गया है, आपको पता चल जाएगा कितना ऊपर गया हुआ है, फाइव है. समझ आ रही है? अगेन आपको क्या है, यहाँ पे जीरो वाली लाइन विजिबल है, जीरो वाली लाइन विजिबल है, नहीं दिख रही आपको? नहीं है ना जीरो वाली लाइन विजिबल. इसका मतलब क्या है कि जो जीरो ऑफ वन ईयर स्केल है, सर्कुलर स्केल है, वो बेसिकली क्या मतलब जो मेन स्केल है वो छुप गया है बेसिकली. आप ऐसे सोचो जीरो ऑफ मेन स्केल जो है वो छुप चुका है. और छुप गया इसका मतलब आप क्या करोगे, जब तक ये फाइव डिविजन को आप टर्न नहीं करोगे तब तक आपको जीरो कोइंसाइड नहीं करवा पाओगे. इसका मतलब जब आप रीडिंग लोगे तो सोचो अगर मैं इस स्केल से इधर इमेजिन करो कि मैं रीडिंग ले रहा हूँ, अगर देखो यहाँ पे ये देखो मैंने अभी जीरो को यहाँ पे लाया है, बट यहाँ पे देखो ऑलरेडी एक गैप इंट्रोड्यूस हो गया, देखो दिख रही है जैसे गैप ऑलरेडी इंट्रोड्यूस है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये वाली तो अभी स्केल बोल रही है मुझे जीरो है. स्केल क्या बोल रहा है? जीरो बोल रहा है ना, देखो यहाँ पे दिख रहा है रीडिंग कितनी है अभी, जीरो. बट देयर इज ऑलरेडी अ गैप इंट्रोड्यूस है, राइट? इसका मतलब ये वाली पार्ट को मुझे क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा ना, राइट? तो नेगेटिव जीरो एरर होगा तो आपका क्या करना पड़ेगा आपको, ये है नेगेटिव, हाँ ये रहा. तो यहाँ पे आपका नेगेटिव जीरो एरर जो है ये ऑलरेडी रीडिंग आपको दे रही है, तो ये वाला एरर को आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा. सब्ट्रैक्ट ही तो करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा. यहाँ पे उल्टा बोल दे, हाँ ये वाला ऐड करना पड़ेगा. ये एरर तो नेगेटिव है ना, और नेगेटिव ऑफ नेगेटिव क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा. गलत बोल रहा था, नेगेटिव ऑफ नेगेटिव आपका पॉजिटिव हो जाएगा. समझ आ रही है? तो ये वाला पार्ट आप ऐड करेंगे उसमें, समझ आ रही है? क्योंकि ऑलरेडी उसने क्या कर रखा है आपको, देखो रीडिंग में एक नेगेटिव वैल्यू आपने ऑलरेडी कह रखा है. तो यहाँ पे जब आप टर्न कर रहे हो, सोचो कि ऑब्जेक्ट को जब आप घुसाना है जब आपको, तो फिर तो आप इसको घुमाना शुरू करोगे, और यहाँ पे ये वाला पार्ट को भी तो आपको कंसिडर करना पड़ेगा जब आप इसको घुमा के लाओगे यहाँ तक. यहाँ तक
तो इसके इसके ये तो ऑब्वियसली आपने घुमाया तो इसका एडजस्टमेंट भी तो आपको करना पड़ेगा, समझ आ रही है आपको। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करके एक बार दिखाता हूँ आपको कि रीडिंग कैसे लेना होता है। ये देखो मेन स्केल डिवीजन आपको दे रखा है यहाँ पे 0.5 का है, देखो दिख रहा है आपको मेन स्केल डिवीजन आपका 0.5 का है, उसने कह रखा है, अभी आपको दिख नहीं रहा होगा जब ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करेंगे तब दिखेगा, ठीक है। मेन स्केल डिवीजन 0.5 का है, 0.5 mm है ऑब्वियसली, और मेन स्केल डिवीजन का काउंट जो है टोटल 20 है, मतलब वहां पे 20 डिविजन आपके टोटल मेन स्केल में बने होंगे, और सर्कुलर स्केल डिवीजन में उसने 75 सर्कुलर स्केल डिवीजन दे रखा है। नॉर्मली ऐसा होता नहीं, उसने एब्सेंट सा वैल्यू क्रिएट कर रखा है, मैं इसको ठीक कर देता हूं। देखिए ठीक है, अभी देखो यहाँ पे आप देखोगे तो जीरो ऑफ मेन स्केल देखो विजिबल नहीं है, दिख रही है, आप चेक करो यहाँ पे जीरो ऑफ वन ईयर स्केल विजिबल नहीं है, सॉरी जीरो ऑफ मेन स्केल आपकी विजिबल नहीं है, दिख रही है, और जीरो ऑफ वन ईयर स्केल अगर विजिबल नहीं है इसका मतलब क्या है, नेगेटिव जीरो एरर, राइट। और नेगेटिव जीरो एरर अगर आपको फाइंड करनी है तो क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे रीडिंग कितनी आ रही है, कितने डिविजन की रीडिंग है, 29 डिविजन की है, दिख रही है आपको 29 divisions की है आपकी, right? 29 divisions की अगर reading है, तो error तो 25 divisions की नहीं है, याद है? आपको क्या बताया था? वो zero तो ऊपर की तरफ था, right? Negative को लेकर मतलब क्या है? Zero आपका ऊपर की तरफ था, तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, 50 में से 29 अगर subtract करो कितना आएगा, 26 आएगा, right? समझ आ रही है आपके पास? तो इस केस में आप अच्छा टोटल divisions तो हमारे पास 50 ही थे, हाँ, तो 50 में से आपने क्या किया उसको subtract किया अगर कितना था 29, तो 21 डिविजन के आपके पास क्या होंगे, आपके पास एरर होगा, जीरो एरर होगा, और उसके बाद फिर एक जीरो एक लीस्ट काउंट इसका कितना था, लीस्ट काउंट है 0.5 का पिच है, 0.5 mm आपका एक मेन स्केल डिविजन का है, और वही आपकी पिच भी है इसमें, इसमें दी हुई होगी, मतलब इसमें क्या है कि वो जो दो सक्सेसिव मेन स्केल डिविजन के बीच का सेपरेशन होता है उसको यूजुअली पिच मान लेते हैं, अगर उसने ये नहीं मेंशन किया हुआ है कि वहां पे एक कंप्लीट टर्न पे वो कितना डिस्टेंस आगे बढ़ रहा है, अगर ये मेंशन नहीं है तो, अदरवाइज अगर मेंशन होगा कि हाँ ठीक है एक मैंने एक कंप्लीट टर्न किया तो दो डिवीजन आगे बढ़ गया, तो उसके इसमें अकॉर्डिंगली आप समझ जाते हैं कि ठीक है दो डिवीजन आगे बढ़ा मतलब टू टाइम्स ऑफ द मेन स्केल डिवीजन आपको लेनी है, बट अगर ऐसा नहीं दिया हुआ है तो दो सक्सेसिव मेन स्केल डिवीजन के बीच में जो सेपरेशन होगा उसी को आप पिच लेके चले, समझ आ रही है आपको। तो यहाँ पे रीडिंग लेने का तरीका क्या होगा, सेम तरीका है कि आपको क्या करना है, एक मेन स्केल रीडिंग लेनी है, वन विल बी अ मेन स्केल रीडिंग, वो मेन स्केल रीडिंग कितनी है, मेन स्केल रीडिंग लेने का तरीका अभी भी वही है, जहां पे भी आपका जो जो जीरो मतलब जो भी आपका जो सर्कुलर स्केल है, सर्कुलर स्केल के जस्ट पहले वाला लाइन आपको चेक करना होता है कि कौन सा है, ठीक है, सर्कुलर स्केल के जस्ट पहले वाला, जैसे वहां पे क्या होता है मेन स्केल का जो जीरो होता है, मेन स्केल का जीरो होता है, वो मेन स्केल का जीरो से आप चेक करते हो कि कहाँ पे आपका जस्ट पहले आपका क्या हो रहा है, मेन स्केल का डिविजन आ रहा है, राइट। वन ईयर स्केल में आप क्या चेक करते थे, एक होता था वन ईयर स्केल का जीरो, और उसके जस्ट पहले आप देखते थे कि मेन स्केल का कौन सा डिवीजन वहां पे आ रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है, यहाँ पे भी जब आप ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करोगे, जैसे मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करता हूँ, चेक करो, इमेजिन करो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट को इंसर्ट किया, ये देखो अभी चेक करो, यहाँ पे भी देखो आपको कौन सी मेन स्केल रीडिंग लेनी है, जस्ट आपका जो विजिबल लाइन है लेफ्ट वाला, देखो जस्ट जो सर्कुलर स्केल का जो लाइन है, सर्कुलर स्केल का लाइन मतलब कौन सा बोलूंगा, एक मिनट रुकिए स्क्रीनशॉट लेकर मुझे दिखाना पड़ेगा, एक मिनट मैं मार्किंग करके दिखाऊंगा फिर आपको समझ आएगा, उसमें मार्क नहीं कर सकते। ये चेक करो, ये वाली जो मार्किंग है, ये वाली मार्किंग, दिस इज योर मेन स्केल रीडिंग, ये मेन स्केल रीडिंग है, समझ आ रही है आपको। और ये मेन स्केल रीडिंग कितनी हो जाएगी, एक एक वन मेन स्केल डिवीजन वाज गिवन टू बी 0.5 mm था, और यही आपका पिच भी है, ठीक है, दिस वाज गिवन एज पिच आल्सो, एंड सर्कुलर स्केल डिवीजन हमने
50 लिए थे, ठीक है? सो देयरफॉर लीस्ट काउंट अगर आप फाइंड करेंगे तो कितने आएगी आपकी, कितने आएगी पिच डिवाइडेड बाय सीएसडी करनी है, पिच डिवाइड बाय सीएसडी, तो पिच है यहाँ पे 0.5 एंड डिवाइड बाय 50 कर लेंगे तो कितनी आएगी, 0.01 मिलीमीटर आएगी, करेक्ट है? 0.01 मिलीमीटर, ठीक है? ये उसकी लीस्ट काउंट है, दिस इज द लीस्ट काउंट, नॉट द मीन स्केल रीडिंग। मीन स्केल रीडिंग यहाँ पे कितनी है? अच्छा, रीडिंग कैसे लेते हैं वो बता देता हूँ। सो रीडिंग लेने का तरीका क्या होगा इसमें, रीडिंग विल बी मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू द लीस्ट काउंट एंड माइनस ऑफ जीरो एरर। ये जेड वाई जीरो एरर है, ठीक है? ये बिल्कुल वैसे ही देखो, उसमें वन ईयर कैलकुलस में हम क्या करते थे, मेन स्केल रीडिंग प्लस वन ईयर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट करते थे एंड फिर माइनस जीरो एरर करते थे। सेम चीज यहाँ पे भी करनी है आपको, एकदम बिल्कुल सेम चीज करनी है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जैसे अगर मान लेते हैं यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए अगर जीरो नहीं होता था, अगर नहीं होता तो रीडिंग क्या होती है आपके पास, मेन स्केल रीडिंग कितना है आपके पास, एक दो तीन, तीन डिवीजन है, सो दिस विल बी थ्री, थ्री टाइम्स ऑफ मेन स्केल डिवीजन वाज 0.5, तो ये एमएम में हो गया। एंड प्लस सरप्लस स्केल रीडिंग, कितना है सरप्लस स्केल रीडिंग यहाँ पे चेक करो, कितना है 32 दिख रही है आपको, एवरीबडी 32 दिख रही है आपको, सो ये हो गया आपके पास 32 into least count and which is 0.01 mm, and फिर आपका जो भी zero error होता, इस केस में अगर zero error नहीं है तो आप subtract zero करेंगे, वहाँ पे zero error वाला diagram, अच्छा मैं इसको भी copy कर देता हूँ, ठीक है? वो हट गया क्या? Object को हटा देते हैं। हाँ यहाँ पे ये जो ये तो मूवेबल पार्ट है और एक आपका स्टड था उसके बीच में ना, इसके बीच में ही फिट होगा ये, मतलब इससे बड़ा इससे जनरली देखोगे अगर इसका लीस्ट काउंट बहुत छोटा है, वन कैलिपर से भी छोटा है, तो इसको हम जनरली मेजरमेंट के लिए जनरली वायर का डायमीटर, जैसे एक वायर है उसका डायमीटर मेजर करना है, तुम सोचो एक इंसुलेटेड केबल आपने खींचा एंड देन उसका डायमीटर मेजर करना है, तो सोचो वो कितना पतला होता है, तो उसका डायमीटर को मेजर करने के लिए आप यूज करते हैं। यहाँ पे इससे आप बड़े बड़े चीजों को मेजर नहीं करते, समझ आ रही है? बहुत छोटे छोटे जो डायमेंशन में खुद है, तुम सोचो कि कितना लेंथ में मेजर कर पा रहा है, ये 1 mm को 100 पार्ट्स में ब्रेक करके वो बेसिकली 1 पार्ट को मेजर करता है, विच इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट। तुम अगर सोचो आपके जो आप पेंसिल बॉक्स में जो स्केल में बिठाते हैं उसमें जो सबसे छोटा डिविजन है वही तो 1 mm है, उसको 100 पार्ट्स में इमेजिन भी कर पा रहे हैं आप, सोचो उसको 100 पार्ट्स में इमेजिन करना है, और उस 100 पार्ट्स का एक पार्ट ये स्केल मेजर कर सकता है, समझ आ रही है? इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है, तो इसलिए बहुत छोटे छोटे डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए यूज करते हैं या लेंथ को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, बड़े बड़े लेंथ को मेजर करने के लिए नहीं करते। हाँ, कभी कभी आप देखोगे जैसे वो बोलते हैं कि एक छोटा सा मार्बल बॉल है उसका डायमीटर मुझे मेजर करना है, उसको यहाँ पे डालते हैं, बट जनरली उसका पर्पज नहीं होता वहाँ पे, ठीक है? जहाँ पे प्रिसीजन आपको ज्यादा जरूरत होती है, जहाँ पे इमेजिन करो कि आपको प्रिसीजन बहुत ज्यादा चाहिए, तब मे बी आप उसको यूज भी कर सकते हैं, बट अदरवाइज अगर डायमीटर वगैरह वहां से मेजर करना तो वन ईयर कैलिपर से ही काम चल सकता है, ठीक है? हाँ, कुछ पूछते हैं। जो मेन स्केल डिवीजन है, मेन स्केल डिवीजन, एक मेन स्केल डिवीजन, उसी को आपको पिच ले लेना है। रैचेट, हाँ, गो इनसाइड, क्लॉकवाइज से इट विल गो इनसाइड, एंटी क्लॉकवाइज से इट विल कम आउट, ठीक है? आपने नल खोला है कभी? नल खोला है? नल खुलता कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज से या क्लॉकवाइज से? श्योर ना? हाँ, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज से खुलेगा, ठीक है? और क्लॉकवाइज से बंद होगा, ठीक है? एक ही चीज है सब जगह, वो राइट हैंडेड स्क्रू सिस्टम ही बनाते हैं, लेफ्ट हैंडेड पर्सन के लिए दुनिया में जगह नहीं, सबके लिए राइट हैंडेड ही, ठीक है? राइट हैंडेड स्क्रू सिस्टम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो राइट हैंड से यू नो अगर आप घुमाते हैं इस तरह से तो अकॉर्डिंगली लेफ्ट हैंडेड। ओके, एनीवेज इसमें एक बार मैं इसको अटैच करता हूँ वापस से ऑब्जेक्ट के बिना, सॉरी। तो ये है आपकी रीडिंग बिना ऑब्जेक्ट का, ठीक है? ऑब्जेक्ट अभी बाहर है देखो, तो इससे हमें जीरो रीडिंग, जीरो एरर का रीडिंग मिल जाएगा। इसको मैं वहां पे चिपका देता हूँ, मार्किंग करनी है मुझे, तो पहले उसको चिपकाना चाहिए।
सो अभी इसमें जीरो एरर फाइंड करें, जीरो एरर निकालनी है. सो जीरो एरर विल बी मेन स्केल रीडिंग कितनी है इसकी, जीरो है ना या माइनस वन है? आपको सिखाया था नेगेटिव एरर में क्या करना है, माइनस वन. समझ आ रही है आपको? अभी वन ही कैरेक्टर्स में भी तो सिखाया कि जब आपका पीछे की तरफ चला जाता है तो फिर उसके से क्या करता है, माइनस वन ही तो लेना पड़ता है. तो यहाँ पे माइनस वन लेंगे यहाँ पे. सो दिस विल बी माइनस वन और ऑफ मेन स्केल रीडिंग, ठीक है, और माइनस वन इंटू क्या करेंगे, 0.5 mm आएगा. एंड प्लस अब आपका यहाँ पे सर्कुलर स्केल रीडिंग देख लो कितना है, सर्कुलर स्केल डिविजन काउंट कर लो कितने यहाँ पे 24, कैन यू सी 24 है, देख रही है आपको. सो ये दिस विल बी 24 टाइम्स ऑफ 24 टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट हो जाएगा ये. पीछे की तरफ क्या हुआ ना, आप नेगेटिव एरर आज भी तो किया. अच्छा आप क्लास में तो आप आज लेट आए ना, नहीं? अच्छा यहाँ पे देखिए आज तो क्लास में किया ये वाला, इसमें सिखाया तो था नेगेटिव जीरो एरर में. यहाँ पे स्केल में आपको क्या करना है, ये जीरो से जस्ट पहले वाला लाइन इमेजिन करते हैं, राइट ना. मेन स्केल रीडिंग के लिए क्या करते हैं आप, जीरो ऑफ वन ईयर स्केल से जस्ट पहले जो मेन स्केल पड़ता है उसी को लेते हैं ना, राइट? ওইটা করতে হবে, নিজে করতে হবে ওইটা তোকে, ওইখানে তো মার্কিং করা নয়, ওইটা করতে হবে তোকে. সিমিলার মেথডে এইখানেও তুই তো জিরো মার্কিং তো দেখতেই পাচ্ছিস না, জিরো দেখে মার্কিং দেখতে পাচ্ছিস না. আর যে আমাদের যে র‍্যাচেটের পুরো ফ্রেমটা আছে যেখানে সার্কুলার স্কেল ডিভিশন মার্ক করা আছে, ওইটা নিশ্চয়ই জিরোর বাঁ দিকে চলে গেছে, তাই তো? তার মানে এই 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 এইখান থেকে যদি আমি দেখি তাহলে পেছনে কি আছে, মাইনাস ওয়ান তো আছে, বুঝতে পারছিস? ওইটাই করলাম. एंड यहाँ पे आपका 0.01 mm हो जाएगा. बोलिए बेटा, गरम कर दे आप नेक्स्ट टाइम से, थोड़ा सा ना विंटर वेयर अपने लेके आएगा, ठीक है, नेक्स्ट टाइम से, क्योंकि हम ज्यादा गर्म करेंगे ना फिर गर्मी लगने लगेगा. करते हैं, ये हो जाएगा आपके पास 0.5 एंड माइनस ऑफ 0.24 mm. ये प्लस, अच्छा ये प्लस है, सो ये जाएगा नेगेटिव ऑफ 0.26 mm आ जाएगा, करेक्ट है. और ये वाला पार्ट हमको क्या करना है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, समझ आ रही है? तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, यहाँ पे माइनस ऑफ ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा अभी. सो दिस विल बी माइनस ऑफ माइनस 0.26 mm आ जाएगी. तो ये हो जाएगा आपके पास 1.5 प्लस 0.32 प्लस 0.26 and that gives you 6, 2, 8, 3, 2, 5, and 5, 10, 2. So 2.08 ये आपका मिलीमीटर आ गया. आई होप आपको समझ आई है, ठीक है. अच्छा मैं यहाँ पे ये चीजें लिख देता हूँ, एक बार पिच को डिफाइन कर देते हैं. पिच क्या बताया मैंने आपको, it's the distance moved by the ratchet, please microphone off करके रखिए, moved by the spindle भी बोल सकते हैं आप, spindle और ratchet attached है. Is the distance moved by the spindle in one complete rotation of circular scale. Yahan pe least count kaise find karenge aap, least count will be pitch divided by total number of circular scale division. और ये भी याद रखिएगा कि अगर पिच नहीं दिया हुआ है, इफ पिच इज नॉट प्रोवाइडेड वी अज्यूम वन मेन स्केल डिवीजन टू बी इक्वल टू द पिच.
बोलिए, स्क्रॉल अप कर दो, एक आप अटेम्प्ट करिए। ये देखो अभी ऑब्जेक्ट इंसर्टेड या इंसर्टेड नहीं है, नहीं है, तो अभी आप पहले जीरो एरर फाइंड कर लीजिए। अच्छा इसमें एक बार अब दूसरा एरर दे, पॉजिटिव वाला देते हैं, अभी ठीक। चलिए मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ, अभी जीरो एरर अगर आपने फाइंड कर लिया है तो फिर हम आगे बढ़ जाए, ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर दें। ओवरलैपिंग है मतलब ये आप मेन स्केल का हॉरिजॉन्टल लाइन देखो और एक सर्कुलर स्केल डिवीजन देखो, आपको दिखेगा वो ओवरलैप कर रहा है। हो गया, अब ऑब्जेक्ट को डाल दे इंसर्ट करें। हाँ हाँ 0.5 एमएम, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करते हैं, अभी आप रीडिंग ले लीजिए। अब ऑब्जेक्ट इंसर्टेड है, सर इसका एक डिवीजन कितना है स्केल का? 0.5 mm, आप वही मान लीजिए।